मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को, एक नायाब हस्ती जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है, जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। आज के वक्त में वो मेडिकल लाइन का भगत सिंह है। भगत सिंह, मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर विश्वरूप का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान या एनी एनिमल, वो जाना ही है उसको कभी ना कभी। लेकिन जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक एटलीस्ट हम हेल्दी रहें, राइट? एवं मेरी आवाज़ आ रही है आप तक ठीक से? ओके। एवं ऑल द एनिमल, जितने सारे जानवर, उनमें से इंसान ऐसा है कि आखिरी कुछ साल बहुत ही दर्द के साथ, पेन के साथ, राइट, पेनफुल लास्ट फ्यू ईयर्स, हमने ये मान लिया है कि जीवन के आखिरी कुछ साल तो पेनफुल होता है, उसी से डेथ होती है। जबकि ट्रुथ ये है कि अगर हम बाकी एनिमल्स को देखें कि डेथ से कुछ घंटे पहले तक भी वो हेल्दी रहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें मरना है तो मरने का कारण कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद पेनफुल डेथ ही एक नेचुरल डेथ है। अब यहाँ पे समय मेरे पास है 2 घंटा, और बीमारियाँ खूब सारी, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़ की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं। ये एक तरफ वाली बीमारियाँ हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, आपके लाइफ के स्टाइल की वजह से है। फिर एक और है जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, या फिर HIV/AIDS, जिसकी किताब आज मेरी लॉन्च होने वाली है, राइट? कितने लोग हैं जो HIV/AIDS के लिए स्पेशली आए हैं? काफ़ी सारे हैं, ओके। तो वो टूवर्ड द एंड में उसकी, उस टॉपिक की बारी आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो देर आर 2 काइंड ऑफ इलनेस, एक जो बाहर से बॉडी में अटैक करती है वो, और एक जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वो। लेकिन दोनों में ही एंड रिजल्ट है कि एक दर्दनाक मौत होती है, ना केवल आपकी। अक्सर मैंने देखा है कि आखिरी समय तक परिवार वाले भी प्रे करते हैं कि भगवान इसको जल्दी उठा ले दुख में, कि इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन देखा नहीं जाता, सारा पैसा भी चला गया और परेशान भी हो गए। तो इसको आप तक पहुंचाने के लिए सारा कुछ 2 घंटे में, 2 घंटे में भी 1.5 घंटा होगा लेक्चर, उसके बाद आधा घंटा या 45 मिनट, जितना टाइम आप चाहें, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का मतलब कि जो भी मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि उसमें कुछ सवाल हो, कहीं पे आप एग्री ना कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फीडबैक फॉर्म मिला है। उस फीडबैक फॉर्म में नीचे एक नीचे वाला पार्ट है, उसमें आप सवाल लिख सकते हैं। सो और वो क्वेश्चन बाद में मेरे तक पहुंच जाएगा, एंड देन आई विल आंसर दैट। हमारे बीच हमारे नरेंद्र जी, डायमंड पॉकेट बुक के, नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम सर, डायमंड पॉकेट बुक के ओनर, जो हमारे साथ रहे पिछले 20 साल से हमारी हर किताब के लॉन्च में, वो हमारे बीच में। सर एक बार आपकी शक्ल लोग देखना चाहेंगे सर। तो इसको पूरा समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल मैंने तैयार किया, वही ले आओ यहाँ पे। टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये हो नहीं सकता हमें बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार जब पड़ गए हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है उस वक्त, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाएं, सर्जरी कराएं, या फिर दवाई खा लें, चूर्ण खा लें, आराम कर लें, एग्जैक्टली करना क्या है अभी? टू गेट द फास्टेस्ट रिलीफ, लाइफ लॉन्ग रिलीफ। मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को, द 4th gear diet। यूं माने कि आपका, आपकी जो बॉडी है वो एक व्हीकल है, एक कार है, जिसमें आप रहने आए हैं, और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 100 साल का है, और वो एक जर्नी, एक सफ़र है, और ये सफ़र आपको स्मूथ बिताना है। 4th gear पे गाड़ी रखनी है अपनी, एंजॉय करते रहना है, राइट? दिस बॉडी इज लाइक ए व्हीकल जिसमें आप हैं, और इस व्हीकल को आपको मजबूत रखना है आखिरी समय तक। तो उसके लिए आप इमेजिन कीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आप इस पिक्चर को दिमाग में रखिए हमेशा, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है,
जब भी कोई बीमार पड़ता है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आपके घर में कोई भी बीमार पड़ता है, टेक दिस पिक्चर इन योर माइंड और आपके दिमाग में सवाल के जवाब आएंगे। इमेजिन कीजिए आप ड्राइवर सीट में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक ऐसी गाड़ी जिसमें इस तरह का स्टेयरिंग है और ब्रेक है, गियर है, सारा कुछ है, लेकिन उस गाड़ी में एक स्टेयरिंग की जगह पीछे जो पैसेंजर सीट है उसमें भी तीन स्टेयरिंग और है, ताकि वो जब चाहे अगर उनका मन है तो वो भी अपना स्टेयरिंग घुमा सके। ये गाड़ी का आइडिया कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? काफी खराब रहेगा। स्टेयरिंग एक ही होनी चाहिए गाड़ी में, पहिए चार होंगे या दो पहिए वाला भी है मोटरसाइकिल, लेकिन स्टेयरिंग तो आपके हाथ में ही होगा। अगर कोई ये सोचे कि स्टेयरिंग थोड़ा देर मुझे आराम मिल जाएगा, स्टेयरिंग तीन लोगों के और हाथ में दे दूं, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग एंड दैट बिकम्स द फर्स्ट रूल। मैं आपको आज सात नियम बताऊंगा, सेवन रूल। उस सातों नियम के अंदर सारी बीमारियां और उसके इलाज, उसके सॉल्यूशन उसी के अंदर है। सेवन रूल्स। रूल नंबर वन, स्टेयरिंग इन योर हैंड। एक बात आप याद रखिए, जिस तरह से एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कितनी स्पीड डालनी है, कब हॉर्न बजाना है, ये सारा कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है, तभी वो हो सकता है। ओनली देन इट इज पॉसिबल। ठीक उसी तरह से आपका ब्रेन एक ड्राइवर है और उस ड्राइवर को एग्जैक्टली पता है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना है, ब्लड शुगर कितना रखना है, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ वो ड्राइवर कंट्रोल करता है, जो ड्राइवर आपका बैठा है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन, दैट इज द ड्राइवर। सो अब वो गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चलती है, अचानक एक ब्रेक लगता है, जब ब्रेक लगता है तो पीछे वालों को झटका लगता है, दैट इज समथिंग डिसकम्फर्ट जो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन वो झटका इंपॉर्टेंट है, उसका एक कारण है, वो ड्राइवर को पता है कि उसने ब्रेक क्यों मारा है। पैसेंजर को सिर्फ झटका सुनाई दे रहा है या समझ आ रही है, वो फील कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि झटका है तो क्यों है, लेकिन वो ड्राइवर को पता है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना है, राइट? वो कंट्रोल ड्राइवर के पास है। पैसेंजर अगर ये सोचे ये बार बार ब्रेक लगा रहा है, तो एक काम करता हूँ, ब्रेक आगे से हटा के मैं ब्रेक अपने पास ही रखता हूँ, ताकि वो ब्रेक ही न लगा पाए। तो आपको पता है दिस इज एब्सोल्युटली फुलिश, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये तो डिजास्टर हो सकता है। द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर डूइंग, हम वही कर रहे हैं रोज। आपका ब्लड शुगर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, घटाना कैसे वो एक अलग सवाल है, वो आगे करेंगे, लेकिन ऐसे में अगर आप दवा लेते हैं और उसको घटाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो ब्रेन है, जो ड्राइवर है, जो आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था, उस कंट्रोल की एक कमान आपने उससे छीन के, ड्राइवर से छीन के किसी और बाहर के आदमी को दे दिया। एग्जैक्टली लाइक कि आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग में भी आपके हाथ में है, ब्रेक किसी और के पास है, गियर किसी और के हाथ में है, और हो सकता है कि हॉर्न या आपके बाकी कंट्रोल किसी और के पास है। तो ऐसी गाड़ी शुरू शुरू में वो ड्राइवर को लगेगा कि भाई चलो मेरा एक काम कम होता है कि मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम, ड्राइवर को आराम मिलेगा। बट आप एक लॉन्ग व्यू से देख सकते हैं कि एक डिजास्टर है, उसको आराम मिलेगा शुरू शुरू में, बट दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। ठीक इसी तरह से ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। लॉजिकली आप सोचिए, साइंटिफिकली मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या ब्लड शुगर बढ़ गया, या कोई भी और चीज, इसमें अगर आप दवा लेंगे, दैट मीन्स कि आप इस ड्राइवर का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सो दैट इज टोटली अनसाइंटिफिक। तो क्या करना होगा, ये एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये करना ही नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, तो क्या आज घर जाकर अगली दवा ना लें? ये क्वेश्चन अपने पास रखिए, इसका जवाब मिलेगा। आंसर तो ये है कि दवा नहीं लेनी, वो कंट्रोल वापस लेना है, मीन्स वो ब्रेन ही करे तो अच्छा है, लेकिन कैसे लें, ये एक बड़ा ही ट्रिकी बात है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा आने वाले रूल्स में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट वी नीड नॉट टू टेक एनी मेडिसिन, अवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक एनी मेडिसिन एट ऑल। हमारी बॉडी कोई भी मेडिसिन को डिजाइन लेने के हिसाब से डिजाइन हुआ ही नहीं है। बाकी जानवरों में और इंसान में सबसे बड़ा जो एक फर्क है वो यही है कि इंसान जब भी बीमार पड़ता है वो दवा खाना चाहता है। बाकी जानवर अपने देखते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई जानवर जाता है घास खाता है, वो उल्टी करता है, जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता है,
एंड दे गेट क्योर्ड ऑन देयर ओन. सो एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से हम दवा खा रहे हैं. ये कोई लॉजिक है? क्योंकि इसको हम देखते आए सदियों से. बट ट्रूथ इज वेन एवर यू आर टेकिंग द मेडिसिन यू आर गिविंग द कंट्रोल टू सम वन आउटसाइड द ड्राइवर, राइट? एंड दैट मे गिव यू टेम्पररी रिलीफ, टेम्पररी आराम मिल सकता है. लेकिन आराम मिलना और ठीक होना दो अलग बातें हैं. वो आगे जाके अगले नियम जब आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि हमें कई बार आर्गुमेंट करते हैं कि डॉक्टर्स की वैक्सीनेशन आ गया तो देखिए इंसानियत की कितनी सारी बीमारियां कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, पोलियो पहले कितना वाइड स्प्रेड था, बिल्कुल ना के बराबर है. लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, देखिए जरा, कि कोई भी वायरल और बैक्टीरियल बीमारी आती है दुनिया में तो 1950 हर 1,00,000 में 40 लोग मरते थे. ऐसे करते 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 पोलियो जब बहुत डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा. हर बीमारी में आपको दिखाता हूं कि बीमारी आती है, मतलब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं, और धीरे धीरे दुनिया से वो जाने लगती है. पहले आती है, बढ़ जाती है, धीरे धीरे जाने लगती है. जब वो ऑलरेडी जा रही थी, ऑलमोस्ट चली गई थी 1956, तब पोलियो का वैक्सीन आया. वो तो वैसे भी जा रही थी, तो अब ये एसोसिएट हो गया कि पोलियो के वैक्सीन की वजह से पोलियो इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड. और एग्जाम्पल देखता हूं, आपके दिमाग में सवाल आएंगे, कीप ऑन राइटिंग, राइट? आपके दिमाग में आर्गुमेंट आएंगे इसके अगेंस्ट, कीप ऑन राइटिंग. आई गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी एंड हैव एन आर्गुमेंट और डिस्कशन. मीजल्स की बात करें तो देखिए 1960 और 70 के बीच में इसकी वैक्सीन आई. लेकिन वैक्सीन तब आई जब ये ऑलरेडी अपने आप ही कम होती जा रही, कम होती जा रही. एक टाइम आता जब वो वैनिश हो जाती. वैनिश होने से जस्ट पहले वैक्सीन आया, सारा क्रेडिट जो है वैक्सीन ने ले लिया. और इट इज नॉट जस्ट मिजल्स, इफ यू सी डिप्थेरिया, इसमें भी वैक्सीन आया 1940 और 1950 के बीच में. एंड ये यूनिफॉर्मली इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. एंड बाय द टाइम वैक्सीन हैज कम, इट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन. और अब वो नेग्लिजिबल में आ गया है. बट यहां भी आप देखेंगे कि ट्रेंड को आप अंडरस्टैंड कीजिए. कफ, वूपिंग कफ, अगेन द वैक्सीन केम अराउंड दिस टाइम. ज्यादातर वैक्सीन इस टाइम भी आए हैं, लेकिन तब भी वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थे. टाइफाइड का कोई मेजर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लेकिन टाइफाइड में भी आप देखेंगे द ट्रेंड इज राइट. हर 1,00,000 में 500 लोगों की डेथ शुरू में, फिर ये करते 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 बाय द टाइम इट इज 1970 इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही कम. एंड सिमिलरली स्कारलेट फीवर, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन बना नहीं, यहां भी अगर आप देखेंगे डेथ रेट कैसे डिक्लाइन हो रहा है. और अगर यहां वैक्सीन आता बाकियों की तरह तो सारा क्रेडिट वो वैक्सीन ले जाता. सो अगर आप ये सोचते हैं कि ये दवा की वजह से मैं जिंदा हूं, या दवा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता, या अच्छी तरह से जिंदा नहीं रहता, तो वो एक भ्रम है. वो एक साइकोलॉजी है. उसको मैं धीरे धीरे करके अपने अगले रूल में आपको धीरे धीरे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन एवर, राइट? इट मे गिव यू रिलीफ, वो ठीक है. सर दर्द की दवा खा लेंगे तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग. लेकिन रिलीफ मिलने का मतलब कि आपको एहसास नहीं है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है या ब्रेन में या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ का एहसास को मिटा देता है, एहसास को मिटाता है, वो बीमारी को नहीं मिटाता है, और वो टेम्पररी रिलीफ देता है. ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने बाकी सारे कंट्रोल पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक एहसास मिल रहा है कि मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा हूं, बट वो खतरे से खाली नहीं है. जब ब्रेक लगाना चाहेंगे, ब्रेक आप लग ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ब्रेक का कंट्रोल कहीं और है. कमिंग टू रूल नंबर 2, ब्रेक फॉर लाइफ. ब्रेक की बात हम कर रहे थे. गाड़ी में ब्रेक का बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्रेक क्या करता है? हमारे जर्नी को धीरे कर देता है, हमारे जर्नी में रुकावट कर देता है, जर्नी की जो स्पीड की जो एक्साइटमेंट है उसको बहुत कम या खत्म कर देता है. लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हम चाहेंगे कि हम अपनी गाड़ी की ब्रेक को उठा के फेंक दें? एनीबॉडी? स्टिल वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक. जिस दिन हमें लगता है कि भाई हमारे गाड़ी का ब्रेक रिलायबल नहीं है, उस दिन हम गाड़ी नहीं चलाते. तो बॉडी में गॉड ने या नेचर ने बहुत सारे ऐसे ब्रेक बनाए हैं. तो ब्रेक का मतलब है सम डिस्कम्फर्ट, ऑब्वियसली. तो बॉडी में बहुत सारे ब्रेक्स हैं, राइट? जैसे रास्ते में कोई पत्थर आएगा तो ब्रेक तो लगाएंगे आप, राइट? तो कोई और पीछे जो जानता नहीं है वो बोलेगा यार ये ब्रेक क्यों लगा दिया आपने. लेकिन पत्थर से जब टकराएंगे तो वो तो सारा डिजास्टर हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ब्रेक आपको बचाता है. ब्रेक लगा के स्पीड को घटा के एक्साइटमेंट जरूर कम होती है. पल भर के लिए लगता है कि हम तो रुक गए, राइट? लेकिन हमारी स्पीड कम हो गई,
लेकिन हम कंफर्टेबल हो गए, वी आर, हम सेफ हैं. ठीक उसी तरह से बॉडी में कई सारे ब्रेक्स हैं एंड दे आर स्टोन. बॉडी में बनता है, ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है. अच्छा, ये सारी चीजें मान लो आपको मैं ऑप्शन देता हूं, भगवान ऑप्शन देता है, आपके बॉडी में स्टोन नहीं बनेगा आज से, ट्यूमर का नामो निशान नहीं रहेगा, आपके बॉडी में कैंसर नहीं बनेगा, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, तो क्या बोलेंगे आप कि स्टोन बने या ना बने? आप बोलेंगे नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए स्टोन, वी डोंट वॉन्ट कैंसर, वी डोंट वॉन्ट ट्यूमर, दैट्स वॉट राइट. अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, आप गाड़ी खरीदने गए, बोला कि ये गाड़ी है, गाड़ी में जैसे एसेसरीज है, उसमें से एक एसेसरी है ब्रेक, ये लगा दूं कि नहीं लगाऊं? क्या बोलेंगे? लगा दीजिए राइट, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, नहीं लगाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप दूर तक सोच सकते हैं राइट. अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि जो काम गाड़ी में ये ब्रेक करता है राइट, वही वाला काम हमारे गाड़ी में, हमारा गाड़ी कौन है और बॉडी, उसमें ये स्टोन करता है, ये ट्यूमर करता है, कैंसर. लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड, स्टोन ये क्या है? आप अगर स्टोन निकालेंगे बॉडी से, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में डालेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज निकलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, मिनरल्स, मैग्नीशियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, मेनली कैल्शियम निकलेगा. तो वो कैल्शियम, बॉडी क्या करता है, जब आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, इस फॉर्म में मिनरल्स है, कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताइए, लेकिन कैल्शियम कई सारे फॉर्म में बॉडी में जा सकता है, कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और जब वो यूज नहीं कर पाती है तो बॉडी के पास एक ही रास्ता है कि उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करे. अगर इकट्ठा नहीं करेगा तो वो ब्लड में वो घूमता रहेगा, कहीं हार्ट में अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, एंड इट विल क्रिएट ब्रेन स्ट्रोक, इट विल क्रिएट हार्ट अटैक. तो बॉडी चाहती नहीं कि ऐसा हो, तो वो कैल्शियम जो बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में बॉडी यूज कर पाती है उसको, तो बॉडी क्या करेगा, उसको एक्यूमुलेट करेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा राइट. सो दैट इज कॉल्ड स्टोन राइट. लेकिन वो इकट्ठा करते रहता है, जिस तरह से आपके घर में एक डस्टबिन है राइट, जो भी कूड़ा आता है हर बार ले जाके आप म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन में जाके नहीं फेंक सकते, तो आप पूरे दिन भर में उसको इकट्ठे करते रहेंगे, इकट्ठे करते रहते हैं, दिन में एक बार आपने ऐसा जुगाड़ किया हुआ है कि कोई आएगा, वो डस्टबिन वो सारा खाली करके दोबारा से छोटा वाला डस्टबिन आपको वापस कर देगा राइट. तो वो जो डस्टबिन का जो इंपॉर्टेंस है, नेसेसिटी है आपके घर में, कोई बोलेगा डस्टबिन तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा दिखता नहीं घर पे, तो मैं डस्टबिन रखूंगा नहीं, ऐसा कोई हो सकता है? यू अंडरस्टैंड कि वो डस्टबिन की जगह क्या है, लेकिन आपको ये भी पता है कि हर दिन वो डस्टबिन खाली भी होनी चाहिए ताकि अगले दिन भरने के लिए वो खाली रहे. ठीक उसी तरह से हम में से हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है. आगे मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है, बनके एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm राइट. जिस तरह से आपके घर में डस्टबिन में आपने जो भी कूड़ा डाला वो भरता जाता, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब कूड़ा ज्यादा हो, डस्टबिन का साइज कम हो, दैट इज द टाइम व्हेन इट विल बी पेनफुल, तब वो जो कूड़ा है इधर उधर फैलेगा, तब स्मेल आएगी, दैट इज द टाइम राइट. कूड़ा होना राइट, वो तो इनेविटेबल है, कूड़ा होना भी इनिवेटिव है, जरूरी है, और डस्टबिन का होना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट है राइट. वो इतना बड़ा डस्टबिन है कि एक दिन का जो कूड़ा है वो मैनेज कर लेता है अधिकतर केसेस में. कभी कभी आप में से किसी घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उस दिन वो डस्टबिन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इजंट इट. ठीक इसी तरह से आपके जीवन में भी कभी कभी अनजाने में ऐसी पार्टी हो जाती है कि वो स्टोन का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए जितना नियुक्त साइज था उससे बड़ा हो गया, अबाउट 10 mm. दैट इज द टाइम जब आपको दर्द होना शुरू होता है राइट. तो दर्द होना शुरू होगा तो आप क्या करेंगे, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज यू विल गो टू द डॉक्टर राइट. तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, और उसमें वो स्टोन निकलेगा. स्टोन निकलेगा तो फिर अब तो आपको आगे की कहानी में क्या बताऊं, आपको पता ही है कि क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, किस तरह सर्जरी होगी, और बट वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्टोन कोई खराब नहीं है, और बॉडी में मैकेनिज्म है, स्टोन अगर बनता है तो फिर वो स्टोन धीरे धीरे कम भी हो जाता है. वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा आगे राइट. तो अगर तो दर्द हो रहा है तो याद रखिए वो स्टोन होगा या ट्यूमर होगा या सिस्ट होगा या पॉलिप होगा, वो वैसे भी हमारे बॉडी में है लेकिन उसकी साइज निर्धारित साइज से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स ऑल. अगर तो बढ़ गया है तो उसको लेट द बॉडी हैंडल,
लेकिन बॉडी कैसे हैंडल करेगी, आई विल कम टू दैट, राइट, उसमें मैं अभी आऊंगा हाउ द बॉडी विल हैंडल. ठीक इसी तरह से हम कैंसर की बात करते हैं, हमें लगता है कैंसर एक बीमारी है. कैंसर ऐसा कोई भी इंसान नहीं हमारे यहाँ पे जिसके बॉडी में कैंसरस सेल ना हो. कैंसर क्या है इसको थोड़ा अगर समझ लेंगे तो उसको जूझना कैसे है वो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट. इनफैक्ट ये उल्टा है, किसी की बॉडी में अगर कैंसर ना हो तो उस इंसान को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, वेरी सिंपली. ब्रेस्ट कैंसर सुना आप, ब्लड कैंसर सुना आपने, लंग कैंसर सुना आपने, हार्ट कैंसर सुना किसी ने? हार्ट कैंसर नहीं होता, हार्ट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, राइट. तो हार्ट कैंसर सुना नहीं, हर जगह कैंसर होता है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड, राइट. तो ये क्लू दे रहा हूँ मैं कि कैंसर इज इंपॉर्टेंट, राइट. वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट उस मैकेनिज्म से यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट इज कैंसर एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ इट. अब देखिए मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है. अब क्या होता है जो भी कुछ आप खाते हैं, खाने पे वो मैं आऊँगा वो सातवां रूल है, लेकिन अभी जो भी कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी कुछ खाते हैं उनमें से कई सारे ऐसी चीज़ें जो बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है. तो कई बार बॉडी स्टोन बनाती है, कई बार बॉडी ट्यूमर बनाती है, और जब ये दोनों चीज़ नहीं बनाती है तो बॉडी उस कूड़े को हेयर एंड देयर थ्रो करने लगती है, और अगर वो ये क्या बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड ब्लॉकेज, वो पूरे बॉडी में बनता है. तो ये ब्लॉकेज से जिनको बचना है तो चॉइस है कि उनके बॉडी में स्टोन बनेगा, ट्यूमर बनेगा, तो ब्लॉकेज के चांसेस कम है. लेकिन जो लोग हैं कि भाई स्टोन आसानी से नहीं बनता है या ट्यूमर नहीं बन रहा है, तो कूड़ा तो है, बॉडी तो कहीं ना कहीं फेंकेगी. मान लो आपके घर में कूड़ादानी नहीं है लेकिन कूड़ा तो फिर भी बनेगा, तो क्या होगा, वो कूड़ा कोई कहीं भी फेंकेगा. घर में जितने भी मेंबर हैं दे विल थ्रो एनीवेयर बिकॉज देर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, कोई एक जगह नहीं बनी हुई उसके लिए, राइट. अब ये जो ब्लॉकेज है ये कहीं भी बन सकता है. दिस ब्लॉकेज कैन बी इन हार्ट, इट कैन बी इन ब्रेन, इट कैन बी इन किडनी, इट कैन बी इन लंग्स, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लॉकेज हो सकता है. और जहाँ भी होगा उस वाला ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर वो वाली बीमारी का नाम आपको बता देंगे डॉक्टर कि आपको तो ये वाली बीमारी है, वो किडनी फेलियर बोलेंगे या हार्ट डिजीज बोलेंगे. लेकिन कारण तो एक ही है कि वहाँ पे कूड़ा है जो इकट्ठा है, राइट, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक लिमिट तक बढ़ रहा है, उसके बाद जब यहाँ तक पहुँच गए पूरी तरह से ये ब्लड फ्लो होना बंद हो गया. तो ऐसे में इसके आगे जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अहेड ऑफ इट, जिनको इस ब्लड से ऑक्सीजन एंड फूड मिल रहा था, उनके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम, दे विल बी डाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. तो वो वाले सेल्स मर जाते हैं, तो फिर वो किडनी पार्शली काम कर रही है, लंग पार्शली काम कर रहा है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे डेड सेल्स हैं जो कि सेल्स जो कि हमारे लिए काम कर रहे थे. ये बड़ा सिंपल है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये, जो कि 1% लोगों के साथ होता है, 1% ऑफ यू, 1 or maybe little more than that, हर 100 में से 1 or 2 लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये जो सेल्स हैं यहाँ के ये बोलेंगे हमें नहीं मरना, विल नॉट डाई इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनको ब्लड मिलना बंद हो गया, सप्लाई मिलनी बंद हो गई. तो ये क्या करते हैं, ये कहीं और से एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, मेडिकली से बोलते हैं एंजियोजेनेसिस मीन्स अपना ही एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, ब्लड वेसल बनाते हैं अपना ही एक ऐसा ब्लड वेसल जिससे ये जितना चाहे ऑक्सीजन जितना चाहे फूड ये चुरा सकें. तो बॉडी का ये ब्लॉकेज के बावजूद भी 2-4 दिन के बाद इन सेल्स के पास दोबारा से खाना आने लग जाता है, और 2-4 दिन बिना खाने के ये सेल्स रह सकते हैं, राइट. तो अब यहाँ पर एक दिक्कत है छोटी सी, चोरी में क्या दिक्कत होती है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसका उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के 10,000 रुपये, वो सोचता है बैंक में डाका डालता हूँ, डाका डाला सामने बहुत सारा पैसा है, पहला ऑप्शन वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा, दूसरा ऑप्शन जितने पैसे हाथ में आए वो उतना पकड़ेगा फिर भागेगा, पहला या दूसरा कौन सा करेगा वो, हिज बिहेवियर विल द सेकेंड वन, इरादा कुछ और था उसका, जब मकसद कुछ और था लेकिन जब सामने एक्शन में आया तो कुछ और हो गया, ये तो आपको क्लियरली पता है. ठीक उसी तरह से हमारे सेल्स भी बिहेव करते हैं इंटरनली, कि जब एबंडेंस में फूड आने लगता है तो ये सिर्फ उतना ही नहीं ले रहे हैं जितना इनको जरूरत है जीवित रहने के लिए, ये एक्स्ट्रा सप्लाई ले रहे हैं. एक्स्ट्रा सप्लाई में क्या होगा, यहां पर दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, व्हाट इट विल बिकम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसरस. अब कैंसर में क्या दिक्कत है, यहां तक अभी तो एक ही जगह था,
तो यहाँ पे इस वक्त आपको यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे कार को, अब हमें दर्द होगा, पेन होगा, क्योंकि हमारे इस जगह के लिए, जिस सेल्स के लिए जितनी जगह लोकेटेड थी, जितनी जगह उसको नियुक्त की गई थी, उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और ब्रेन आपको बताना चाहता है, ड्राइवर बताना चाहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पेन के जरिए, दर्द के जरिए आपको बता रहा है। तो आप वो दर्द होते ही, और दर्द कंसिस्टेंटली रहेगा, राइट, तो कुछ दिनों में दर्द बढ़ेगा क्योंकि वो जगह बढ़ रही है। तो ये वाला टाइम है, दिस इज़ द टाइम जब आपका दर्द किसी के लिए बिजनेस बन सकता है, राइट, कि अब दर्द हो रहा है तो वो फिर जाएगा हॉस्पिटल, जाएगा कहीं, जाएगा परेशान होगा, वो सोचेगा यहीं से कुछ इलाज मिल सकता है, लेकिन वो दर्द यही इतना ही बता रहा है कि इस जगह में जितने भी सेल्स हैं उसको जितनी जगह हमने दी थी उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये बॉडी को ब्रेन बताना चाहता है, और बॉडी से ब्रेन बात करता है, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड पेन, दर्द के माध्यम से, राइट। अब ऑटोमेटिक सवाल आएगा, तो क्या दर्द होने दें, दर्द तो बढ़ता जाएगा, दर्द तो सहा नहीं जा रहा, ये सवाल अपने पास रखिए, इसका जवाब आगे आएगा। ऐसा होने नहीं दें, राइट, हमें एक भी दिन होने देना नहीं है, उसको तुरंत ही कम करना है, लेकिन कम करने का जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है हमारा, वो रास्ता बदलना है, कम करने का रास्ता, उसको स्कैन करके उसका साइज पता किया, अच्छा साइज 2 सेंटीमीटर है, ये तो कभी बस्ट हो सकता है, तो अब बायोप्सी करना है, चलो एक फिर और उसको खरोंचा, ठीक है ना, ये तो कैंसरस भी हो सकता है, ये तो ट्यूमर भी हो सकता है, और फिर एक आप भूल गए आपका एक्चुअल मकसद इस जीवन में क्या था, सारा ध्यान आपके उस तरफ चला गया, और लाइफ की पेनफुल जो शुरुआत है वो तो हो ही गई, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिए, बॉडी क्या करता है, ब्रेन भी नहीं चाहता कि आप इतने दर्द में रहें, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ये जब देखेंगे कि यहाँ रहना मुश्किल है, तो ये ब्लड वेसल में जाके, ब्लड में जुड़ के किसी और जगह जाके, किसी और जगह जाके किसी और ऑर्गन में बस जाएंगे, और वहाँ भी उनका बिहेवियर सेम ही होगा चुराने का, तो क्या होगा, ट्यूमर मल्टीपल जगह पे होगा, राइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर, इसे कैंसर बोलते हैं, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ब्रेन में कुछ मैकेनिज्म है, जैसे गाड़ी में क्या है कि जब पेट्रोल कम होने लगती है तो क्या होता है, या ब्लिंक करने लगता है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट, तो वो ब्लिंक होने लगता है, ब्लिंक होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप ब्लिंक होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, ब्लिंक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया, दैट इज द ओनली थिंग। सो ये सेल्स जब दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं तो वहाँ के जो और सेल्स हैं वो उसको इनवाइट करेंगे, रहने देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं बाकी ऑर्गन के, तो वो सेल्स एक सिग्नल भेजते हैं यहाँ पे आके कि भाई ये यहाँ पे सेल्स आए हैं, जब भी यहाँ से ये कहीं और माइग्रेट करेंगे, ये नए सेल में जाएंगे, नए ऑर्गन में जाएंगे, तो यहाँ से एक सिग्नल इधर वापस आएगा कि यहाँ आपके यहाँ से कोई आया है तो क्या हम रहने दें। तो ये जो सेल्स हैं ये बोलेंगे नहीं नहीं वो तो ट्यूमर है, वो तो कैंसरस है, वो तो चोर वाले सेल है, तो फिर हमारी बॉडी उस सेल्स को रिजेक्ट कर देगी, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो हमारी इम्यूनिटी के थ्रू वो जो सेल्स हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म कर देगी वो कैंसरस सेल, और धीरे धीरे ट्यूमर छोटा होता जाएगा, गेटिंग द पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यानी कि ट्यूमर एक साइज के बाद बढ़ नहीं सकता, कि बढ़ने से पहले उसको स्प्रेड होना पड़ेगा, स्प्रेड होंगे तो वो सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में नॉक होता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी है, वो बोलता है कि आपके घर में रहना है मुझे, यू आर शॉक्ड, फिर बोलता है वो डॉक्टर विश्वरूप जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भेजा है, और आप मेरे खास दोस्त हैं, अब क्या करेंगे, आप रहने देंगे नहीं रहने देंगे, आप उनको बोलेंगे अच्छा भाई साहब बैठिए जरूर आइए, और पीछे से क्या करेंगे जाके तुरंत ही एक कॉल लगाएंगे सीक्रेटली कि भाई ऐसा कोई आदमी ऐसे हुलिया ऐसा है आपका नाम ले रहा है, तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा यार ये वो तो चोर है, मेरा नाम लेके चोरी कर चुका 2 जगह, आप उनको भगाओ, वहां से भगाओ भी मत, उनको बिठाओ पुलिस को बुलाओ, इजंट इट। तो ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव करता है, वो जो सेल्स हैं जो चोरी वाले सेल हैं, ट्यूमर वाले सेल हैं, उसको इम्यूनिटी को पकड़ा देती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और धीरे धीरे ट्यूमर बड़ा जो था वो कट भी जाता है, ये नेचुरली होता है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हर एक के बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर रोज बनते हैं, इस वक्त अगर कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 10-15 जगह ट्यूमर मिलेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, दैट इज़ नॉट ए सिकनेस, राइट। लेकिन धीरे धीरे बॉडी के पास मैकेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय करने का भी ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए आपने फ़ोन किया और वो सिग्नल नहीं मिल रहे और बंदा वहां पे बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे, उसको भगाएंगे, आप सोचेंगे क्या करें, तो आपके पास आइडिया आएगा इनको बैठे रहने देता हूं और मैं फोन लगाता रहता हूं, कभी तो मिलेगा ना,
लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, रात हो गई, अब सोने का समय आ गया। अब बोलते कोई बात नहीं, इसको आज सोने दो, कल तो लगी जाएगा। और कल सुबह जब फोन लगा तब तक देखा कि वो तो चोरी होकर सारा सामान भी लेके चला गया। व्हाट आई मीन टू से, द सेम कंडीशन हैपेंस इन द बॉडी। कई बार आपकी बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करती है, एंड दैट इज द टाइम जब ये चोर वाले सेल्स हैं, इसको मौका मिल जाता है दूसरी जगह जाके बैठ जाने का, उस चोर की तरह जो आपके घर में बैठ गया बिकॉज वो फोन नहीं लग रहा था। जब भी आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल होती है, उस फेल होने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो कारण अगर आप हटा देंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी, और ट्यूमरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ एक लेवल से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्यूमर नहीं होंगे आपके बॉडी में या कैंसर सेल नहीं होंगे, वो तो नेचुरल फिनोमिना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर पे डस्टबिन नहीं होगा, डस्टबिन तो होना ही होना है, लेकिन उसका साइज और कितने कितना कूड़ा निकलेगा वो एक मैनेजमेंट है, राइट? सो वो एक चीज, उसे बोलते हैं टेक्निकली केमिकली उसका नाम है, एक चीज है दैट इज, वो अगर अपने बॉडी से आप हटा दें तो सिग्नलिंग सिस्टम की फेल नहीं होगी। सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी तो ट्यूमर एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। उस नाम को, उसको कहते हैं, आई एम राइटिंग हेयर, डाइऑक्सिन, या इसको और कहते हैं डीएलएस, डाइऑक्सिन लाइक सब्सटेंस। डीएलएस क्या होता है, आसान शब्दों में इसको बता दूं, किसी भी तरह का केमिकल जो बॉडी के लिए नहीं बना, जैसे दवा लेते हैं तो वो केमिकल है, राइट? प्रोसेस्ड फूड लेते हैं वो केमिकल है, राइट? तो या किसी चीज को बहुत ज्यादा जलाते भुलाते हैं तो उसका जो काला काला उसका राख रह जाती है, दैट इज ए डाइऑक्सिन। वो जब बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक उसी तरह से याद कीजिए बजाज स्कूटर, कई बार हमारा स्पार्क प्लग हम उसको साफ करते थे, याद है? क्योंकि उसमें कचरा भर जाता था, तो कचरा भरेगा तो वो सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा तो वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको फेल करने के लिए ओनली वन थिंग विच इज केमिकली कॉल्ड डायऑक्सिन और इट इज कॉल्ड डीएलएस। एंड व्हाट इज दैट, कि जब भी कोई केमिकल बॉडी में जाएगा तो दैट कैन फेल इट। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज की दवा हो, हार्ट की दवा हो, कोई भी दवा हो, दैट इज एडिंग टू फेलिंग योर सिग्नलिंग सिस्टम। वो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपने ही सिग्नलिंग सिस्टम को फेल करने की तरफ उसको बढ़ा रहे हैं, राइट? सो आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक द मेडिसिन। ऑब्वियसली फिर सवाल आएगा, तो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, पिछले 10 साल से दवा ले रहा हूँ, कल से दवा ना लूँ क्या? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आती है बात, हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? हार्ट कैंसर सिर्फ इसलिए नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि ये जो चोर रास्ता, ये कितने दिन में बन जाएगा, कितने दिन में बनेगा? लगभग 3-4 दिन, 2-3 दिन में। और उतने दिन ये जो सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बॉडी के अलग अलग जगह के सेल्स, सिवाय हार्ट के सेल्स के। हमारे सारे ऑर्गन में, सारे मसल्स में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम करता है जब से आप पैदा हुए हैं। बाकी तो रेस्ट मिल जाता ना, पैरों को, हाथों के मसल्स को, हार्ट को मिलता है? मिला कभी? क्या आप चाहेंगे यार काफी साल हो गए तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो? नहीं, यू डू नॉट वॉन्ट इट, राइट? आप राइट, यू विल नॉट डेयर टू आस्क द हार्ट टू टेक ए रेस्ट। तो हार्ट के मसल्स एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड रेस्ट नहीं लेते हैं तो उसको लगातार कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर सेल्स। तो हार्ट के सेल्स 2 दिन वेट नहीं कर सकते कि ये वाला रास्ता बने, उससे पहले वो इट विल डाई। इसीलिए हार्ट अटैक होता है, इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक होता है, राइट? बाकी सेल्स जो जहां जहां वेट कर सकते हैं वहां वहां पे तो कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, लेकिन ट्यूमर को भी ठीक किया जा सकता है, वो भी ठीक हो जाता है, राइट? सो अब हम यहां पे, मैं ये बोल रहा था कि ये जो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है, कैंसर के बनने के, ट्यूमर के बनने के, स्टोन के बनने के, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। एट द सेम टाइम बॉडी के पास तरीका है, वो डस्टबिन में डस्ट जमा हो गया कूड़ा, उसको 24 घंटे बाद वापस फेंक दो, खाली डस्टबिन दोबारा रख दो। ये लगातार आपके घर में हर दिन होता आया है, राइट? हमारे बॉडी भी एक घर है, उसमें भी रोज ये होता है। लेकिन अगर कोई बीच में अड़ंगी लगाए कि आप तो ड्राइवर सीट पे बैठे हैं लेकिन बॉडी के सारे कंट्रोल, ड्राइव कार की तो आपने किसी ना किसी को दी हुई है,
एक डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, फिर शाम को हार्ट की दवा ले रहे हैं, रात को सोने से पहले कोलेस्ट्रॉल वाली दवा या कोई और दवा ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो ड्राइवर यहाँ बैठा है वो ड्राइवर सोचता है, यानी कि ब्रेन, यार तुम ही कर लो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? तो यू आर बेटर जज देन मी। तो ये जो कंट्रोल है इसको हर हाल में अपने हाथ में रखना है, और जिन लोगों ने आप में से ये कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है, यानी कि जो लोग दवाइयों पे हैं, वो कंट्रोल धीरे धीरे वापस लेना है। धीरे धीरे कैसे एग्जैक्टली वापस लेना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो कंट्रोल वापस लेने में आपकी कोई मदद करेगा, डॉक्टर मदद करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। आपके घर वाले जो यहाँ पे नहीं आए वो मदद करेंगे? हाँ, आप जाके बोलेंगे मैं एक सेमिनार में गया था तो ये दवाइयाँ कल से मैं छोड़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? पापा आप तो हेल्थ सेमिनार में गए थे और ये मेंटल पेशेंट बन के आ गए, चलो पकड़ो इसको जाके पहले तो डॉक्टर को दिखाओ, वो भी मदद नहीं करेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हैं चुपचाप ही करना पड़ेगा, सीक्रेटली करना पड़ेगा आपको, राइट? सो कमिंग टू द सेकेंड रूल, एंड दैट इज स्टोन, ट्यूमर, कैंसर, दीज आर नॉट डिजीज, दीज आर लाइक द डस्टबिन, दीज आर लाइक ब्रेक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। लेकिन ये ब्रेक भी कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। दैट वन रीजन इज डायोक्सिन, आई टोल्ड यू डायोक्सिन इज नथिंग, केमिकल्स, टू मच केमिकल इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डायोक्सिन, DLS जिसको बोलते हैं। तो केमिकल में दवाइयाँ भी तो केमिकल ही हैं, राइट? तो उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि दवाई खत्म कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं या मुझे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए। एक बात याद रखिए, मैंने वैक्सीन का एग्जांपल दिया, आगे भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप जिंदा हैं तो दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयों के बावजूद भी जिंदा हैं, इस बात को समझिए। थैंक यू। सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये आ गया रूल नंबर टू, आपको जो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं रूल नंबर थ्री पे। लेट द ड्राइवर डायग्नोज। एक एक्सपर्ट ड्राइवर, आपने देखा आप में से काफी लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, जैसे ही वो स्टेयरिंग पकड़ता है, जैसे ही थोड़ा गाड़ी बढ़ती है, उसको एहसास हो जाता है कौन सी दरवाजा खुला है, कौन सा दरवाजा खुला है। उसको एहसास हो जाता है कौन से पहिए में हवा कम है, अगर हवा कम है तो, राइट? उसको स्टेयरिंग पकड़ते ही आइडिया हो जाता है कि गाड़ी की स्थिति क्या है, इजंट इट? सो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। लेकिन एक जो नौ सीखिया ड्राइवर होता है वो क्या होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है, पीछे से वो बाइक वाला हाथ दे रहा होता है, भाई साहब आपका आप पहिया देख लीजिए, वो निकलने वाला है या पंचर हो गया है या हवा कम है। तीसरा बाइक वाला आता है, दूसरा वाला, वो बोलता है भाई साहब, वो हाथ हिलाता है, ये गाड़ी बाहर निकालता है, क्या बात है भाई? तो बोलता है यार आपका दरवाजा पीछे वाला खुला है, राइट? वो किसके साथ होता है? जो नया नया सीखा हुआ है, राइट? यानी कि उसकी जो डायग्नोसिस है वो खुद की नहीं है, वो तो चला रहा है एक बाहर के आदमी को, बाइक वाले को, मतलब बड़ा रिस्की काम है। वो हाथ दे रहा है, ये भी अपना एक तो पहले से नौसे किया है, ऊपर से वो बाहर अटेंशन किया है, क्यों हाथ दे रहा है, क्या हो गया, राइट? तो एक्सपर्ट ड्राइवर वही है जो अपना डायग्नोसिस खुद कर सके। फॉर डायग्नोसिस यू शुड नेवर डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। आपके बॉडी के अंदर एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसी पे भरोसा कीजिए। किसी और टेस्ट पे भरोसा करेंगे तो वो नौसिखिया ड्राइवर के साथ एक ही चीज होता है कि उसके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेवर एवर थिंक दैट यू आर नौसिखिया। आपके तो जीवन के कितने साल बिता दिए आपने इस गाड़ी को चलाते चलाते, राइट? उस पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। कोई भी अगर बॉडी में तकलीफ है, अगर आपकी गाड़ी में तकलीफ है, सबसे पहले आपको पता चलेगा, आपको कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। और जो डायग्नोसिस में पता चलेगा दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, राइट? पहले तो इस पे आते हैं, इसको मैं बोलता हूँ ABCD। ये ABCD को समझ लीजिए। यहाँ मेरा इरादा सिर्फ ये है कि आपको मैं इस तरह समझाऊँ कि आपके मेमोरी में फिट हो जाए, पहली बात। और जो चीज़ मुझे लगती है कि आपको याद घर जाते जाते नहीं रहेगा, तो मैंने आपके लिए कुछ प्रिंट किया कलरफुल। जब यहाँ से जाएंगे वो एक कार्ड लेते जाएंगे, उसमें सारा कुछ समराइज करके दिया हुआ है, राइट? तो यानी कि कुछ मिस नहीं करेंगे। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे डायग्नोसिस डायबिटीज की बात करते हैं कि करके। अब देखिए 1979 में डायबिटीज का मतलब था जिसका ब्लड शुगर 200 से ऊपर है वो डायबिटीज था। फिर 1997 में वो 200 को कर दिया 140, 1999 में 120, 2003 में अभी 100, और 2010 तक 100 के अलावा HbA1c टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो, वो भी टेस्ट करो, राइट? तो आप देख रहे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस की वो पैरामीटर स्क्वीज होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। तो
आप सेम ही हैं। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले, 1997 से पहले, याद कीजिए कितने डायबिटीज पेशेंट थे आपके आसपास, शायद ही बहुत एक आध मिलेंगे, और आज देखिए हर जगह आपको हर घर में डायबिटीज पेशेंट मिल ही जाएंगे, राइट। और वही डायबिटीज पेशेंट नहीं है जिसने अपना ब्लड शुगर चेक नहीं कराया है। जो भी अपना ब्लड शुगर चेक कराएगा, डॉक्टर बोलेगा या तो डायबिटीज 100 से ऊपर तो डायबिटीज है और दवा लो, 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। या तो आप बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, या बीमार होने वाले हैं तो भी दवा लेनी चाहिए, राइट। तो यानी कि हेल्दी इंसान मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई हेल्दी है ही नहीं, हेल्दी हो ही नहीं सकता। आइदर आप बीमार हैं डायबिटीज, या बीमार होने वाले प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन प्री हाइपरटेंशन, दोनों में से कोई तो होगा, राइट। तो आप कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, 1978 होना चाहिए, 1978 में कोलेस्ट्रॉल के जो फिगर्स थे वो 300 से ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते थे। 1997 में 240 कर दिया उसको, 98 के बाद 200 कर दिया, और उसके बाद टिल रिसेंटली ट्राइग्लिसराइड आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। और आज की बात करें राइट नाउ, अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र पूछेंगे। 40 साल से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा तो ले ही लो आप, दैट इज अ न्यू रूल, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि डायग्नोसिस के लिए मुझे डॉक्टर पर निर्भर होना है तो दैट इज समथिंग फुरिश, राइट। वो वैसे ही होगा कि नौ से किया आसपास की से एक्सपेक्ट करेगा कि वो बताएगा कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, राइट। वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, राइट। और आप मानिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अपने जीवन के इतने साल बिता दिए उस गाड़ी को चलाते हुए जो कि आपकी बॉडी है, तो आपका कंट्रोल ठीक ही होगा, राइट। आपको बस भरोसा करना है उस पर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, 97 से पहले 160/100 अगर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तो उससे ज़्यादा हो तो ही उसको दवा देते थे। 97 के बाद 140/90 कर दिया गया, अब 120/80, राइट नाउ इट इज 120/80, इससे ज़्यादा हो तो दवा लेना है। ये लगातार घटता जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अचानक देखा एक सांप है, अब क्या होगा, आई जस्ट जंप, राइट। मैं अलर्ट हो जाऊँगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा, राइट। मेरे पूरा ध्यान होगा कि मैं अपने को कैसे बचाऊँ। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना आएगा, 200/100, तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूँ, सडनली नॉट। ये मेरा एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बॉडी ने बनाया है, कुदरत ने दिया है। जैसे कोई जिराफ है, जैसे ही उसको एहसास होता है कि कहीं आसपास शेर है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह देख पाता है, ज़्यादा अच्छी तरह सुन पाता है, उसके टांगों में ज़्यादा ब्लड पर ब्लड चला जाता है, और वो पूरी तैयारी में है कि कैसे लड़ा जाए या बचा जाए, राइट। तो ये कुदरती मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज़्यादा हार्ट बीट। फिर डॉक्टर चेक करता है, बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा है, आप भी देखते हैं वाकई में ज़्यादा है। अरे वही तो जिम्मेदार है आपके ब्लड प्रेशर का। थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसे ही आप वापस आते हैं हॉस्पिटल से, बाहर निकलते हैं, ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। मेडिकली इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। 70-80% वो लोग जो दवा ले रहे हैं इस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अमंग दोज जो मेडिसिन ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, 70-80% वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं है, वो व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। यानी कि वो यूं ही दवा ले रहे हैं क्योंकि वो चेक करते वक्त इट वेंट अप, राइट। तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर कितना भी रहे उससे दवा से कुछ होने नहीं वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर लगता है कि दवा ले रहे हैं, कई बार पूछता हूँ क्यों दवा ले रहे हैं, ताकि प्रिकॉशन के लिए ले रहे हैं। क्या प्रिकॉशन बताइए आप अपने नॉलेज से, कि कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, यही प्रिकॉशन कुछ। अब इसको समझिए एक मिनट के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये पाइप है, इस पाइप को मैंने नलके में लगा दिया, पानी ऑन किया, अब पानी आ रहा है, पाइप को मैं पकड़ लूँ जोर से तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। ये जो डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है। डायमीटर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है ये, राइट।
वाटर प्रेशर बढ़ेगा जितना डायमीटर कम होगा। ठीक उसी तरह से आप मानिए कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड जा रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होती तो डायमीटर घटता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है डायमीटर घटता है, जैसे जैसे डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई है कंसिस्टेंटली लगातार कुछ दिनों में महीनों में हाई है, इसका मतलब ब्लॉकेज है, राइट। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा ले लेते हैं तो वो हार्ट को फोर्स करता है कि ब्लड को कम प्रेशर से जाओ भेजो, तो ब्लड प्रेशर घट गया लेकिन हार्ट अटैक के चांसेस घटे क्या? वो नहीं घटेंगे, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, उस ब्लॉकेज है या वो नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लॉकेज को नहीं छेड़ती है, उसको नहीं सुधार रही है। ब्लड प्रेशर की दवा आपके हार्ट को फोर्स कर रही है कि वो धीरे धीरे पंप करे। इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग विद इन वन ईयर ऑफ टेकिंग द ब्लड प्रेशर मेडिसिन दे बिकम इम्पोर्टेंट, इनफर्टाइल, राइट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एट ए पर्टिकुलर स्टेज। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवा से आपका प्रोटेक्शन हो रहा है ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जरूर ब्लड प्रेशर घटा रहा है, लेकिन हार्ट अटैक का संबंध अगर है तो वो हार्ट की ब्लॉकेज से है, और ब्लॉकेज का संबंध है ब्लड प्रेशर से, राइट। तो दवा से आप ब्लड प्रेशर घटाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम दिखेगा मॉनिटर में, लेकिन उससे चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज विल नॉट रिड्यूस। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हटा ले किसी तरह से तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अब आपकी हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो। तो रियल क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज कैसे हटाएं, मैं आगे आऊंगा उस पर, हाउ टू रिमूव द ब्लॉकेज, राइट। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इस शहर में यहां पे व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए, जिसमें गाड़ी सेफली चल पाए। 40-60, मैं 40 ले लेता हूं, राइट। तो मैं 40 की स्पीड, मैंने कुछ ऐसा लगाया जुगाड़ कि जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी एग्जैक्टली 40 पे स्टार्ट होगी, ना तो कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 40, विल दैट बी सेफ? सडनली नॉट। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर मुझे पता है कि हर पल मैं सर्कमस्टेंस देखूंगा, आई विल सी द सर्कमस्टेंस, राइट, और उसके हिसाब से मैं गाड़ी को अपनी स्पीड को मैनिपुलेट करूंगा। कई बार हो सकता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ 100 की स्पीड भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई सांप मेरी तरफ आ रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 200/100 भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, डॉक्टर से पूछा, उसने बोला 120/80 होना चाहिए, मैंने एक जुगाड़ लगाया बॉडी में, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा नहीं, जैसा कि आप लगाते हैं दवा खा खा के जबरदस्ती कि वो 120/80 के आसपास ही रहे, राइट, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? जरा देखिए, यहां से सांप आ रहा है, अचानक मैंने देखा और वो सांप ऑलमोस्ट आ चुका था, माई रिएक्शन, ब्लड प्रेशर 120/80 पे मैंने उसको रोका हुआ है, तो मेरा रिएक्शन होगा ठीक है आने दो कोई बात नहीं। तो सोचिए, ये जो फीलिंग है डर का, एहसास है, एहसास डर का या अलर्टनेस का या मुझे बचना है या खतरे की घंटी है, ये एहसास आता कहां से है? ये एहसास आता है कि जब ब्रेन हार्ट को बोलता है, हार्ट कई सारी चीज मैनिपुलेट करता है, कई सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अलोंग विद दैट अलर्टनेस एंड फियर, वो सारी चीज तब आती है, राइट। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो इमोशंस है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर। इसीलिए ये देखा गया, आप में से कुछ लोग मानेंगे, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं वो कुछ समय में जाके डिप्रेशन की दवाई भी उनको लेनी पड़ती है, राइट, दे स्टार्टेड बिकमिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि वो फोर्सफुल डिप्रेशन, फोर्सफुली ब्लड प्रेशर को रोका जा रहा है। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं बहुत ही शॉर्ट में कि अगर आप में से कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा लेके मैं कोई प्रोडक्शन कर पा रहा हूं किसी तरह से, तो श्योरली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो ना करें। तो छोड़ना कैसे, दोबारा से वो सवाल है, उसके लिए 7वां रूल तक हमें जाना पड़ेगा, हाउ टू ड्रॉप इट, राइट, छोड़ें कैसे, राइट, क्योंकि एक ऑलरेडी बॉडी को एक आदत पड़ चुकी है, कई साल तक ले रहे हैं तो आदत पड़ चुकी है, राइट, तो वो एक दिन में नहीं छोड़ सकते, वो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, किसी किसी के केस में 7 दिन या 15 दिन, लेकिन हाउ टू डू इट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं, आज का जो बुक लॉन्च है वो इसी पे है, एड्स पे, एड्स। हमारे आनंद वेदांत जी कहाँ पे है, ऊपर ही है, है कहीं यहाँ पे, पीछे पीछे है, ठीक है, यहाँ है नहीं ना, ठीक है, उनके बारे में मुझे कुछ चुगली करनी थी, ठीक है, जल्दी बता देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि एक बुक लॉन्च भी होने वाली है और वो HIV एड्स पे है, आगे, अच्छा अब तो मैंने शुरू कर ही दिया है। वेदांत जी आप बस यहीं रहो,
तो जैसे उन्होंने सुना कि आज बुक लॉन्च भी मैं करूँगा HIV/AIDS, HIV/AIDS यार इसको रहने देते हैं, किसी और दिन कर लेना इसको। तो मतलब HIV/AIDS जो नाम है वो नाम से ही हमें मतलब एक उससे उससे कैसे बचा जाए, जैसे कि वो नाम लेने से ही किसी को HIV हो सकता है। तो ये एक भ्रम है आज के ज़माने में कि ये नाम तक हम लेना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं पसंद करते। तो आप सोचिए कि माहौल, ये सिर्फ मैं अनंत वेदांत की बात है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा हर एक की बात कर रहा हूँ, कि इस तरह से वो साइकोलॉजिकली फियर हर एक के दिमाग में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि वो नाम इटसेल्फ से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं नाम से ही। लेकिन मेरे इस लेक्चर का या हमारे जो ग्रुप का मकसद ये है कि आपके मन से डर भागे, और वो तभी हो सकता है जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो इसको ज़रा दो मिनट सुनिए कि HIV/AIDS कोई नई बीमारी नहीं है, वो नया नाम दिया गया है कुछ बीमारियों को। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ एक मिनट में, कोई सवाल वगैरह होंगे तो आप लिखते ही जा रहे हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। 1981 में 12 बीमारियों को इकट्ठा किया गया, जैसे डायरिया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है या निमोनिया है, इस तरह के 12 बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर हैं, कि ये 12 बीमारियां अगर किसी को हो जाए तो उसको ये वाला टेस्ट कराना, वो टेस्ट ये वाला एक टेस्ट कराना, मैं बताता हूँ इसके बारे में, और इसमें अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो गया तो ये टेस्ट कराओ, पॉजिटिव निकलेगा बोलेंगे ये HIV/AIDS, नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस। 12 बीमारियां, राइट। और फिर उसको बढ़ा दिया गया 25 बीमारियां 1987 में, कुछ और बीमारियां उसमें जोड़ दी गई, राइट, कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और जोड़ दिया गया, जैसे बुखार रहे, राइट, तो ये भी जोड़ दिया गया, राइट। उसमें अगर वो टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव निकले तो HIV/AIDS बोलना, और नेगेटिव निकले तो उस बीमारी का नाम। फिर इसी तरह से 1992 में 29 बीमारियां टोटल कर दी गई, 2008 और अभी तक 31 बीमारियों की लिस्ट है कि कोई भी इंसान अगर इन बीमारियों से आए तो चुपचाप उसका ये टेस्ट भी कर लेना, राइट, HIV टेस्ट कर लेना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में भी अगर ये टेस्ट करते हैं तो 100 में से एक का पॉजिटिव आएगा, वर्ल्ड एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बॉडी में HIV/AIDS है या HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशेंसी वायरस। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एक वायरस है, बस इसका मतलब ये कि इससे पॉजिटिव आएगा और उसको बोल देंगे कि चुपचाप, ये प्रोटोकॉल का पार्ट है कि किसी को ना बताएं। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट सबको बताता ना कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, राइट, कैंसर का पेशेंट भी बताता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन का पेशेंट भी बताता है, लेकिन HIV में आपने देखा हर 300 में से एक आदमी, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, HIV/AIDS की दवा खाता है, हर 300। यहाँ पे हम लोग मिला के, मुझे मिला के 600 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 लोग ऐसे होंगे जो दवाई खाते होंगे, लेकिन वो किसी को नहीं पता, उनके परिवार को भी नहीं पता। ये इस तरह का एक सीक्रेसी मेंटेन की है अराउंड HIV/AIDS, राइट। तो जैसे कि कोई काला पानी हो गया हो, कोई एक मुजरिम है वो आदमी, ऐसा ऐसा एक भावना क्रिएट कर दिया ताकि वो लोग किसी से बात ना कर पाएं, किसी को अपनी बात ना बता पाएं, और वो जो सीक्रेसी है वो सीक्रेटली मेंटेन हो। उसी चीज को मैं अगले एक मिनट खोलूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, ये ऐसी लिस्ट है 31 डिजीज की, वो लिस्ट कौन सी है वो आपको आखिर में मैं दे दूंगा। उस बीमारियों में जिनमें से एक प्रेगनेंसी भी है, अगर कोई भी टेस्ट करेगा, राइट, एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो टेस्ट में वो पॉजिटिव आएगा, आ सकता है 100 में से एक, 200 में से एक, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बीमारी कितनी देर तक है, राइट। और वो टेस्ट का मतलब होता क्या है कि जब ये बीमारियां होती हैं तो बॉडी भी कुछ वायरस बनाता है, उसे कहते हैं HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस, बॉडी बनाता है, और वो वायरस से भी ये पॉजिटिव आता है, राइट। लेकिन जब बीमारी चली जाती है, चली जाने के बाद वो वायरस चले जाते हैं। अब टेस्ट कराएंगे तो आएगा क्या पॉजिटिव, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, लॉजिकली नहीं आएगा, आएगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, जितना आपको आइडिया है, कि जो लोग एक बार HIV पॉजिटिव है तो जीवन भर HIV पॉजिटिव रहते हैं। जीवन भर कैसे रहेंगे कि HIV की दवा होती है, उसके बारे में बाद में टाइम मिलेगा क्वेश्चन राउंड में तब हम डिस्कस करेंगे खुल के। तो वो दवा जैसे ही कोई लेगा तो वो दवा लगातार उस वायरस को बॉडी में बनाते रहेगा, राइट, इट विल कंटिन्यू टू मेक दैट वायरस इनसाइड द बॉडी। वो दवा तो ले ही रहा लगातार, गवर्नमेंट तो फ्री देती है, और वो वायरस बनता रहता है। तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन HIV पॉजिटिव, राइट। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने डायबिटीज़ के बारे में आज देखा भी, ABP न्यूज़ का वो जो भी आपने देखा क्लिप, कोलेस्ट्रॉल हो, BP हो, ठीक इसी तरह से AIDS भी, राइट, जैसे वैक्सीनेशन है कि भाई किसी तरह से आपके जीवन का कंट्रोल,
राइट, किसी और के हाथ में हो जाए, उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले पंडितों ने कुछ नियम बनाए थे, है ना, ताकि वो उस नियम के अनुसार चलेंगे तो कुछ कंट्रोल उनके हाथ में। तो हर समाज के कुछ पंडित होते हैं, वो नियम बनाते हैं, जिसको साइंस का नाम दे दें, कोई रिलीजन का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर एक का कंट्रोल हर एक के हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। सो डायग्नोसिस, कोई भी डायग्नोसिस हो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, राइट। इसको आगे चलते हैं डायग्नोसिस की दुनिया में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये उदाहरण दूंगा मैं। मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलॉजी जर्नल 1991, 10 लोग आपने ले लिए जो परफेक्टली हेल्दी है, कोई भी 10 लोग चुन लीजिए परफेक्टली हेल्दी, और उन सबको अल्ट्रासाउंड कराइए, और वर्ल्ड एवरेज है 10% के बॉडी में गॉलस्टोन मिलेंगे, वो इतने बड़े साइज के होंगे कि डॉक्टर बोलेगा अभी सर्जरी कराओ नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। 10%, मतलब मैंने आपको बताया था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉलस्टोन हो सकता है और वो निकलेगा भी, लेकिन निकलने के बाद आउटकम क्या होगा, पेशेंट के मन में भय, उनके परिवार वालों के मन में भय, अब क्या होगा कि उस गॉडसन को किसी भी तरह से निकालो। जब वो निकालेंगे, याद रखिए कि हमारी बॉडी को भगवान ने पैक करके भेजा है निकालने, खोलने के लिए नहीं। गाड़ी को चलाना तो है लेकिन उसके पुर्जों को अलग नहीं करना है, राइट। वो हमें, और जैसे ही अलग करेंगे तो आपकी बॉडी सेम नहीं रहेगी जैसे पहले है। तो ये सर्जरी वाली बात मैं अगले नियम में आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अगर बैक पेन, जिनकी हिस्ट्री नहीं है, ऐसे 10 लोग ले लीजिए जिनको जीवन में कभी बैक पेन ना था ना कभी है, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हैं, एथलीट हैं, उन सबके सबको अगर आप बोलेंगे चलो स्कैन करा के देखो, राइट, सो एमआरआई करा के देखो, तो और डॉक्टर को नहीं बताया कि भाई ये इनमें से कोई पेशेंट नहीं है, एक्चुअली ये यूं ही करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ ये बताया कि इन 10 के 10 को बहुत दर्द है, तो वो किसी 50-50% तक को बता देगा कि भाई आपके डिस्क में वाकई में दिक्कत है और बहुत भयंकर दिक्कत है, उसमें सर्जरी की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम जर्नल जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नंबर वन मेडिसिन है, जर्नल है दुनिया का, टॉप के 1 या 2 में आता है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन टॉप के 1 या 2 में आता है। इस जर्नल में आने का मतलब कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फिर, राइट। तो ठीक उसी तरह से जिन लोगों के घुटनों में दर्द का कोई हिस्ट्री नहीं था ना कभी है, ऐसे लोगों को ले लीजिए 10 लोगों को, उनको एमआरआई स्कैन कराइए, और डॉक्टर को नहीं पता कि इन 10 को हिस्ट्री नहीं था, डॉक्टर को ये पता कि इनके पैरों में जोड़ों में बहुत दर्द है, वो 40% को उस एमआरआई के बेसिस से बता देगा कि इनके तो भाई घुटने बदलने हैं। अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2008, राइट। कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको घुटने की दर्द होती है तो आप जाते हैं और वो एमआरआई कराते हैं, स्कैन कराते हैं, व्हाटएवर यू डू, राइट। फिर वो बताता है कि हाँ देखो आपके घुटने में दर्द भी था, और ये भी बता रहा है। आप इसका उल्टा करा दीजिए, खर्चा कीजिए थोड़ा पैसा, 10 लोगों को इकट्ठे कीजिए, मैं भी एक आ जाऊंगा, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं फिलहाल, राइट। और फिर डॉक्टर बोलिए 10 के 10 मरीज हैं घुटनों के, इनका एमआरआई कराइए, देखिए कुछ हो सकता है कि नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, पैसा तो लगता है मेडिकल में, तो मान लीजिए वही वाला पैसा है यहाँ पे। एंड देन अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 40% वाला डॉक्टर कोई 40% बोलेगा कि ये भयंकर केस है, इमीडिएट सर्जरी या कुछ इसको थेरेपी की जरूरत है। ठीक इसी तरह से कैंसर के केस में अगर बात करें कि कैंसर का लंप, राइट, कई बार बोलते हैं कि स्कैन कराया मुझे ट्यूमर दिखाई दिया, वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है तो बायोप्सी किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बताया। और अब यहाँ पे देख लीजिए अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कि 35% लोगों के जो लंप होंगे जो सीटी स्कैन में आए हैं वो डॉक्टर प्रिडिक्ट करेगा कि ये लंप कैंसरस लंप हो सकते हैं, 35%, राइट, जबकि 99.9% केसेस में उन लंप का या उस ट्यूमर का कैंसर से कोई कनेक्शन एक्चुअली नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज द रिपोर्ट अगेन इन 2008। तो बोलने का मतलब यह है कि जो सीटी स्कैन है, जो अल्ट्रासाउंड है, ये जो ब्लड टेस्ट है, इसकी रिलायबिलिटी पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, राइट, कि रिलायबिलिटी हमें तब पता चलेगी जब एक हेल्दी आदमी का चेक करेंगे, और तब वो डॉक्टर को नहीं पता कि वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए वो पेशेंट है, अब देखिए वो डॉक्टर क्या बोलता है। तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये रिपोर्ट तो आपके सामने है, राइट, ये जिनको ये सारे रिपोर्ट चाहिए तो आपको जो फीडबैक फॉर्म मिला है उसमें आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट दीज रिपोर्ट, और अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो मैं ये रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, इसके डिटेल वाले भी भेज दूंगा जिसको और इंटरेस्ट है, गहराई में जाना है, राइट, या इसको इस तरह के कई सारे रिपोर्ट हैं, इनको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ डायग्नोसिस द ओनली वे टू डायग्नोस। डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है तो सबसे पहले वो आपको पता चलेगा।
आपका बॉडी खुद ही बताएगा, लेकिन हम वो देखते नहीं है, राइट? तो विजुअली नहीं देखते। अब देखिए इंडिया की बात करें, कई सारे देशों में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, इंडिया में एक खासियत है इंडियंस में कि कोई मोटा हो या पतला हो, हर एक की तोंद निकली रहती है। कई बार आते हैं पेशेंट, डॉक्टर देखिए मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, पहले 1.3 था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 204 है, पहले 203 था, मेरा डायबिटीज़ HbA1c 5.7 क्यों हो गया, 5.6 होना चाहिए था। वो लेंस लेके देख रहा अपना ब्लड शुगर रिपोर्ट, लेकिन एक बड़ा ट्यूमर जो यहाँ वो दिखता ही नहीं कभी उसको, राइट? भाई इतना बड़ा ट्यूमर है ये भी तो देखो, ना तो उसको दिखता है, ना उसको डॉक्टर को दिखता है, ना कोई MRI मशीन में वो ट्यूमर आएगा। और मैं आपको साबित कर सकता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि ये ट्यूमर नहीं है, इसमें वही सारे केमिकल्स हैं, राइट? अगर एनालिसिस करेंगे जो किसी छोटे ट्यूमर में होता है 1 सेंटीमीटर वाले, तो ये ट्यूमर है लेकिन ये इनविजिबल है, राइट? ना तो MRI मशीन में आ रही है, ना डॉक्टर को दिख रहा है, ना पेशेंट को दिख रहा है। और पेशेंट आजकल जब भी पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ एक ये बड़ा सा मतलब पूरा फाइल होता है उनके पास, न जाने कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट होते हैं जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, नए नए जुड़ते जाते हैं और उन्हीं में वो अपना बीमारी ढूंढते हैं, और जो ऑब्वियस है सामने सामने दिख रहा है वो इनविजिबल है उनके लिए। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इतने ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे ब्रेन भी एक टेक्नोलॉजी है, वो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी मान लीजिए आप सब आए यहाँ पे दूर दूर से, कुछ तो अलग अलग शहरों से भी आए हैं कुछ लोग, या काफ़ी अलग शहर से आए मुझे पता है, राइट? अलग अलग स्टेट से आए हैं काफ़ी लोग, राइट? तो जो गाजियाबाद से हैं उनको तो हिंदी भवन का पता, बाकी को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। हम गूगल मैप लगा देते हैं, बोलता है राइट लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट जाओ, ये जाओ, वो जाओ, करते 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 करते, राइट, अचानक आप हिंदी भवन के सामने होते हैं और वो यहाँ पे आपको जिसने इनवाइट किया वो भी सामने बुला रहा है, भाई साहब ये हिंदी भवन आ गया है, गूगल मैप बोल रहा है नहीं 2 किलोमीटर आगे है। आप बोल रहे मैं नहीं मानूंगा, ये गूगल मैप क्यों नहीं बोल रहा, भाई साहब ये देखिए लिखा भी हुआ है, लेकिन यहाँ देखो ना, पहले यहाँ प्रूव करो आप। तो कई बार मैं देखता हूँ पेशेंट ठीक हो गया, बिल्कुल हेल्दी है, पहले वो उठ नहीं पाता था, वो चल पाता है, दौड़ पाता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन उसका ब्लड शुगर रिपोर्ट यार 101 क्यों आ गया, वो 100 पहले दिखाओ मुझे। सो घर वाले पूछते हैं कि हम आपको हेल्दी तब मानेंगे, वो वैसे नहीं उठ पाता था, घुटने में दर्द था, उठ ही नहीं पाता था, 4 लोग और लगे थे, अब अपना काम सारे कर पाते हैं, लेकिन बोलते हम तब मानेंगे जब ये रिपोर्ट बनेगा, दिखा इसमें दिखेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट दिखा रही है और आप एब्सोल्यूट पेन में है, डॉक्टर बोलेगा नहीं इनको कुछ नहीं हुआ है, इनका वहम है। अब किसको मानेंगे आप? मानिए उसको जो आपका बॉडी बोल रहा है, राइट? दैट इज द ट्रुथ। आपकी आंखें देख रही है ये हिंदी भवन, आपकी कान को सुनाई दे रहा है हिंदी भवन, आप छू पा रहे हैं भवन को, तो उसको मानिए, राइट? टेक्नोलॉजी की हेल्प कभी कभी ले सकते हैं, बट उस तरह से नहीं कि उसको अपनी टेक्नोलॉजी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो भगवान ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी है। तो भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी को अगर इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कोई और हमें बताएगा, उस नौसिखिया ड्राइवर की तरह कि अगर दरवाज़ा खुला है तो कोई और बता ही देगा, अगर हवा कम है तो कोई तीसरा आदमी बताएगा ही, तो मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है, मुझे तो बस बाहर देखना कौन क्या बता रहा है, कौन बाइक वाला हाथ हिला रहा है उस पर ध्यान रखना है मुझे, राइट? सो ऐसे वाले लोगों को ही तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे में ही तो दिक्कत में आएंगे आप, राइट? इसको अब ठीक से समझना है कि वो जो बहुत सारी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उस टेस्ट से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, जो इंसान वो टेस्ट कर रहा है आपके लिए जहां जा रहा है, जिस लैब वाले को, ना कि आपको उस डॉक्टर को। आपको नहीं हो सकता फायदा, कभी हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट के अगर रिजल्ट पे हम डिस्कस करेंगे, कभी एक लेक्चर इसी पे रख सकते हैं, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये कितना ज्यादा रैंडम है, उतना ही रैंडम की टॉस करने के बराबर का रैंडम, राइट? नॉट मोर एक्यूरेट देन दैट। सो यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर योर ओन डायग्नोसिस यू हैव टू सेल्फ डिपेंड। मैं आपको बताता हूँ कैसे डायग्नोस करना है खुद के लिए। मान लो हार्ट डिजीज है तो कैसे करना है, ये सबको अपना आइडिया हो जाता है जब आप चलते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे हार्ट पेशेंट्स की, वो कैसे आके बोलते हैं कि अचानक एक दिन एहसास होता है कि जब वो तेजी से दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता है कि हो गया होगा, किसी को बताता भी नहीं है। फिर वो देख रहा है जब भी वो थोड़ा तेज़ से दौड़ रहा है तो एग्जैक्टली उसी समय पेन हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं दौड़ूंगा नहीं, अब थोड़ा चलूंगा, वॉक करने लगूंगा, ब्रिस्क वॉकिंग, तो उस पर आता है। 2-4 महीने में फिर क्या होता है, जब वॉक करता तब भी वो पेन होता है, तो डिस्कम्फर्ट में वो सोचता है कि यार ये अच्छा मैं धीरे धीरे वॉक करूंगा, लेकिन बताता नहीं। फिर एक दिन नोटिस करता है जब मैं सामान लेके वो शॉपिंग बैग लेके चल रहा हूँ या स्टेज पर चल रहा हूँ तो वो वाला पेन दोबारा आ जाता है, उसको आइडिया हो जाता है कुछ गड़बड़ है,
सोचता मैं लिफ्ट में ही जाऊंगा, इस तरह से वो। तो ब्रेन क्या कर रहा है, आपको बार बार आगाह कर रहा है, आपको आइडिया भी हो रहा है राइट, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम आएगा लगता है यार कुछ ज्यादा ही होगा, ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चुपचाप आप क्या करेंगे, चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर सुनेगा सारी बातें, सारी हिस्ट्री बताएंगे, डॉक्टर समझ जाएगा इन सारी बातों का मतलब, आप समझिए इसका मतलब कि देर इज ए ब्लॉकेज, 70%, 60%, 80% ब्लॉकेज है, इनका मतलब यही होता है। लेकिन डॉक्टर क्या बोले बता देगा वो इतनी आसानी से ब्लॉकेज है, बोलेगा लगता है हार्ट की कुछ दिक्कत है, ऐसा ही छोटा मोटा टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो। बोलेगा ठीक है, कोई एंजियोग्राफी सोचेंगे कि कोई ग्राफी होगी, करा लेते हैं। हाँ, तो बोलेगा वो डॉक्टर बोलेगा चलो इस पे साइन करते, उस पे लिखा है कि अगर इस एंजियोग्राफी के दौरान आपकी मौत हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो तब किससे पैसा ले और कहाँ पे बॉडी दे वो भी यहाँ एड्रेस डाल दो। अब कान खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या है, आप तो एंजियोग्राफी करने वाले थे, इसमें मरने का क्या कनेक्शन, आपको आइडिया ही नहीं है कि एंजियोग्राफी कितना ज़्यादा इंजरियस हो सकता है बॉडी को, वो यूं ही डॉक्टर बोलता है। अब डॉक्टर कन्विंस करेगा कि आप यहाँ से घर तक जाओगे, जा भी पाओगे कि नहीं, हम तो श्योर नहीं है भाई। आप बोलेंगे मैं तो खुद ही चल के आता हूँ, कल खुद ही चल के चले जाऊँगा, अपने बोलेगा आपने अपने रिस्क पे जा रहे हो, साइन कर दो तो मैं भेजूँ। आप बोलो साइन कर देता हूँ, डॉक्टर देख रहे हैं चुगनल में आया नहीं अभी भी। अब अगला क्या करेगा, वो आपकी बीवी को फ़ोन लगाएगा कि भाई साहब का तो मैंने देखा लगता नहीं है कि हालत ऐसी है, तो आप बोलो तो छोड़ दूँ मैं, वो क्या बोलेंगे, बस वहीं रोक के पकड़ के रखो हम आ रहे हैं सब, सारे रिश्तेदार पैसे वैसे, डॉक्टर साहब जो मर्जी कीजिए, पैसा लीजिए जितना मर्जी, बस इनको यहाँ से पकड़ के इनको जो भी बेस्ट है वो करके दीजिए राइट। तो बस वो ना वो पैंतर हर जगह सेम ही है, और वो इंडिया की बात नहीं, मैं इंडिया में बोलता हूँ, वियतनाम में बोलता हूँ, मलेशिया में, कहीं कम कहीं ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक स्टाइल है वो सेम है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम डायग्नोसिस पे थे, जब भी इस तरह का अगर किसी को भी सिम्टम आए तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज होना कोई अनोखी बात नहीं है, वो बॉडी में होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो ब्लॉकेज हटाए कैसे, पहली बात, और ये कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज हट गया है, दूसरी बात, ये ऐसे पता चलेगा हट गया कि कुछ दिनों के बाद दोबारा दौड़ने लगेंगे और अगर दर्द नहीं होता हट गया, इसमें किसी टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी खुद ही बताने को तैयार है राइट। तो अब हटेगा कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, टेस्ट कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पेन हो रहा था, जो डिस्कम्फर्ट था चलने से दौड़ने से, अगर वो कम होता हुआ दिख रहा है या वो नहीं हो रहा है एक टाइम के बाद, तो वो ब्लॉकेज हट गया है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन वो उसके लिए वो कम करना कैसे है, वो थोड़े आगे आएगा, वो सातवें रूल पे आएगा, हम चौथे रूल पे इस वक्त है। सो सेल्फ डायग्नोसिस, ठीक इसी तरह से अगर स्टोन होगा, स्टोन तो होता ही हर एक के बॉडी में, ट्यूमर होगा वो भी होता है, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन हो गया तो यानी कि वहां पे स्टोन ज्यादा बढ़ गया या फिर वहां पे ट्यूमर बढ़ गया, इस तरह का है। तो यहां पे आपको ये मेजर करने की कोई जरूरत है क्या, वो 5 मिलीमीटर है कि 6 मिलीमीटर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा राइट। आपको पता चल गया कि वहां पे स्टोन है या ट्यूमर है या कुछ भी ऐसा, आउटग्रोथ नाम दे दीजिए, गिव अ न्यू नेम, आउटग्रोथ, एक ऐसी चीज जिसकी वो जगह नहीं है वहां पे वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये देखना कि वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए कम हो जाए, यही तो देखना है। आपको इससे मतलब होने की कोई जरूरत है कि उसका साइज मैं चेक करूं भाई प्रिसिशनली कितना है राइट, वो अल्ट्रासाउंड करा के, MRI करा के, जो कि अपने आप में इन्वेजिव प्रोसेस ऑलरेडी है राइट, उसकी जरूरत नहीं है, आपके बॉडी ने बता दिया। और पेन की इंटेंसिटी, कितना ज्यादा पेन है उससे आइडिया हो जाएगा कि मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है कि कम गड़बड़ है, घबराने की बात यहां नहीं है, लेकिन उस वक्त बॉडी बता रही है, ब्रेन बता रही है, आपका ड्राइवर बता रहा है कि उसको ठीक कर लो, और ठीक करने का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है, वो मैं अभी आगे आता हूँ कि ठीक करने का मैकेनिज्म कौन सा है और कैसे बॉडी के अंदर वो ठीक होता है राइट। दैट बिकम्स अवर फिफ्थ रूल। मान लीजिए आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो गया और आपका स्टेपनी नहीं है, कार आपके पास, एक मोटरसाइकिल वाला आता है बोलता है कि, या दूसरी कार वाला आता है, ट्रक वाला आता है, कोई और गाड़ी वाला आता है कि आप मेरा टायर ले लो, ले लेंगे आप, क्यों ले लेंगे, वो उसका साइज छोटा बड़ा है, एग्जैक्ट साइज है नहीं, वो वाला मॉडल है नहीं, तो आप लेंगे तो बोलेगा बिल्कुल नया है भाई, आप सोचेंगे भैया वो एक नया है तो ये मेरा जो तीनों टायर ये भी खराब हो जाएगा और गाड़ी में और बहुत सारा झंझट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो मॉडल है उसके हिसाब से ही टायर ही क्यों, कोई भी बॉडी के कार के पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली आप चेंज करते हैं, उसी कंपनी का लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली फिट बैठे राइट, किसी और का नहीं लेते। ठीक इसी तरह से आपके बॉडी में जब हम पैदा हुए थे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बॉडी में रखे हुए हैं,
अगर कोई माइक्रोस्कोप लेके देखेगा तो वहां पे स्पेयर पार्ट है, ये इमेजिनरी बात नहीं है, ये उतना ही है जितना कि स्टेपनी गाड़ी में होता ही है जब आप नया नया खरीदते हैं तब। ठीक उसी तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में सिर से पैर तक, आप जब पैदा हुए थे नए नए ब्रांड न्यू आप आए थे तब बहुत सारी स्टेपनी जो कि हजारों में है, उसे हम मेडिकली भाषा में बोलते हैं कोलेट्रल आर्टरीज। स्टेपनी का नाम है कोलेट्रल आर्टरीज, पूरे बॉडी में है, वो छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं जो कि बंद होती हैं। जैसे स्टेपनी होता है पूरा तैयार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इस वक्त जरूरत पड़ी तो आपने उसको स्टेपनी को लेकर लगा दिया, राइट। वो स्टेपनी गाड़ी के अंदर ही है, राइट, वो पुर्जा गाड़ी के अंदर ही है। ठीक इसी तरह से हमारे गाड़ी में, हमारी बॉडी में सिर से पैर तक बहुत सारी स्टेपनी हजारों की संख्या में हर थोड़ी थोड़ी दूर में भगवान ने बनाई हुई है, उसका नाम क्या है, कोलेट्रल आर्टरीज, राइट। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है, अभी बताया था ब्रेन में ब्लॉकेज है, राइट, या कहीं भी ब्लॉकेज है तो वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी उस स्टेपनी को यूज कर सकता है तो थोड़े दिन में काम करेगा। लेकिन बॉडी यूज करे, स्टेपनी होना इज नॉट सफिशिएंट। स्टेपनी में लगाऊं कैसे, टूल्स भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। हम में से काफी लोग होंगे जिनकी गाड़ी में स्टेपनी है लेकिन जब भी पंचर होता है तो हम खुद नहीं लगाते, हम सोचते हैं कोई आ जाए, क्योंकि हमने कभी लगा के देखा नहीं है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, स्टेपनी होना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट स्टेपनी को लगाना भी एक स्किल है जो ऑटो मोड में सारे एनिमल्स को आता ही है, लेकिन हमने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हमने उसको सीखा नहीं। खैर आज हम ध्यान देंगे तो हम उसको सीखेंगे। बोलने का मतलब यह है कि उसे ये आपके बॉडी में ऑलरेडी स्पेयर पार्ट है, घुटने में भी है जो आपके घुटने को ठीक कर सकता है, किडनी में भी है जो डायलिसिस को रोक सकता है, राइट, डायलिसिस हो रहा है तो बंद करा सकता है, हार्ट में भी है जो ब्लॉकेज को, ब्लॉकेज के बावजूद भी वो स्टेपनी लग जाएगा तो ब्लॉकेज के होने के बावजूद भी आपका हार्ट ठीक से काम करेगा और आपको एहसास नहीं होगा कि ब्लॉकेज है क्योंकि नया स्टेपनी लग चुका है। वो बॉडी के सारे ऑर्गन में ऑलरेडी है और वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, उसका नाम कोलेट्रल आर्टरी बोलते हैं। और जब बॉडी ऐसा करता है तो उसका मेडिकली बोलते हैं, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास, स्पेशली हार्ट के केस में, हार्ट में ज्यादा होता है नेचुरल बाईपास, राइट। सो हाउ इट लुक्स लाइक, वो दिखता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोलेट्रल आर्टरी इज अ स्टेपनी ऑफ ए बॉडी। देखिए ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे यहां ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहां जितने भी सेल्स हैं हार्ट वाले वो उसी वक्त मर जाएंगे। उसके मरने से हार्ट काम करना बंद करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ना हो उसके लिए बॉडी में ये छोटे छोटे आर्टरीज बने हुए हैं, आर्टरीज स्टेपनी की तरह दोनों अंत छोर बंद है। हम में से काफी लोगों के केस में ये आर्टरी ऑटोमेटिकली बॉडी पहले से ही खोल के रखता है ताकि किसी दिन भविष्य में अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसी वक्त ब्लड यहां से फ्लो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हार्ट अटैक आया भी और आप जिंदा भी, आपको पता भी नहीं है। फिर कभी किसी और समय कोई एंजियोग्राम करेगा डॉक्टर, कभी ऐसा कई बार केस हुआ होगा आपके आसपास कि डॉक्टर बोलेगा आपके तीनों आर्टरी तो बंद है लेकिन फिर भी आप जिंदा कैसे हैं, फिर डॉक्टर खुद ही बताएगा कि आपकी बॉडी ने ये नेचुरल बाईपास किया हुआ है तो आप जिंदा हैं। ये बॉडी का बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉडी के लिए, राइट। लेकिन बॉडी ऐसा तभी कर सकता है जब बॉडी में डाइऑक्सिन नहीं हो, और डाइऑक्सिन हम रोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम मेडिसिन, मेडिसिन खाते हैं बचने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी का जो स्टेपनी है उसको जंग लगता रहता है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। तो मेडिसिन खा के हम, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो सिस्टम जो काम कर रहा था, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। बोलने का मतलब जितने भी चीजें मैंने बताई कोई मैंने अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाई, मेरी कोई खुद की डिस्कवरी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस है और मेन स्ट्रीम साइंस है। मेन स्ट्रीम साइंस मतलब जो ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में जो है या मेन स्ट्रीम मेडिकल एजुकेशन में जो है, उस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपने अभी तक पांचवें रूल आते आते आप यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम क्या है, डायोक्सिन। बस उसको हटा दो, अगर वो हटा दें तो कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, हार्ट डिजीज है तो वो ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर तो वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो, बस डायोक्सिन को उठा के फेंक दो, राइट। तो वो फेंकने से ही आपकी जिंदगी चालू होगी। हमारा कैंप लगता है साल में एक बार इंडिया में, जहां हम 3 दिन, कई बार पेशेंट बोलते हैं डर के मारे कि 10 साल से दवा ले रहा था, अचानक कैसे छोड़ दूं, कुछ हो गया तो मुझसे पूछते हैं क्या आप जिम्मेदार होंगे, राइट। तो कई बार कुछ, जैसे आप में से कुछ लोग चुपचाप जाएंगे, वो जो आपका डॉक्टर दवा देता था वो आप उनको बोलेंगे, डॉक्टर साहब मैं 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं किसी सेमिनार में गया था, वो बोल रहे दवा छोड़ देना। वो पता है क्या बोलेंगे,
अगर छोड़ दिया, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। तो फिर आप उनसे पूछिए, ठीक है मैं नहीं छोड़ता, और कुछ हो गया क्या आप जिम्मेदार हैं? तब तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। एक बात याद रखिए, जिम्मेदारी तो आप ही की है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपका शरीर है, आपका गाड़ी है, आप ही को रखना है ध्यान इसको। अभी गाड़ी बार पार्क किया, जिम्मेदारी किसकी है? अनंत वेदांत की तो नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी। लिखा रहता ना, पार्क एट योर ओन रिस्क, है ना। जिम्मेदारी आप ही की है, वो किसी की ना थी ना कभी है, राइट। और दवा के अभाव से लोग नहीं मरते हैं, दवा ज्यादा खा के मरते हैं लोग ज्यादातर, राइट। कभी सुना है मेडिसिन डेफिशिएंसी से कोई मरा हुआ आज तक? डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन ही डाइड, राइट, ऐसा कभी हुआ है? सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तो आप गाड़ी के मालिक हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब ये रिस्क कैसे लें? अरे रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप रोज पॉइजन खा के, रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूँ रिस्क से बचो, राइट। खैर ये सारे सवाल आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम में पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो डायोक्सिन जैसे ही बॉडी से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हम में से हर एक के बॉडी में पहले से ही इमीडिएटली बहुत सारे कोलेट्रल आर्टरीज बन जाएंगे अलग अलग जगह पे, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, हर जगह। और आप देखेंगे भाई कुछ ही दिनों में 10 साल पहले जितने हेल्दी हुआ करते थे अपने आप ही लगेगा, आपका पेट अपने आप लगेगा, गायब हो गया। लोग बोलेंगे क्या बात है इतने पतले लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, क्या बात है? बट ट्रूथ ये है कि इंडिया में क्या है कि पतले को लोग सोचते हैं कमजोर हो गए, पेट इतना बड़ा होगा यार क्या ताकतवर आदमी है, खाते पीते घर का है, फिर चाहे चार आदमी लेके उसको उठा के लेके जाना पड़े, है ना। तो वो तो हमें वी नीड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस बाय द व्हाट द पीपल से। आपको यू आर योर ओन ड्राइवर, आपको खुद से पूछना है कि एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मेरे पेन सारे खत्म हो गए हैं, क्या 20 साल पहले जो ताकत थी वही ताकत है मेरे पास, क्या मुझे रात को ठीक से नींद आती है, राइट। अगर सारे आंसर यस हैं तो ये ब्रेन का डायग्नोसिस है, राइट, इसको इग्नोर नहीं करना है, यही मेन है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्टेपनी बनाए हुए हैं, जगह जगह पे डॉक्टर बिठाए हुए हैं गॉड ने, तो वो लेकिन वो जंग खा चुके हैं, उसको डायोक्सिन को निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकना है आई विल कम टू दैट, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे, यूज द राइट फ्यूल। आपके पास गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, मैं बोलूँ यार आपको मैं महंगा फ्यूल डालता हूँ, पेट्रोल डाल देता हूँ, महंगा है डीजल से, गाड़ी जाते चलेगी? आप बोले नहीं यार ये डीजल है, डीजल डालो, मैं बोलूँगा चलो ऐसा करते हैं जेट फ्यूल, जो हवाई जहाज का वो डाल देता हूँ। आप बोले कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं, या फिर बोलता हूँ उसमें दूध डाल देता हूँ, दूध खाने से तो बहुत वो करते हैं। आप बोले आप तो बेकार ही बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है मेरे गाड़ी में डीजल डलेगा उसी से चलता, ना पेट्रोल ना जेट फ्यूल ना कुछ और लिक्विड, वेरी क्लियर, कुछ सोचना ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ठीक उसी तरह से हम, हमारे पास भी तो एक गाड़ी है हमारी बॉडी, इसकी भी तो कोई फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो दैट फ्यूल, वो जो भी फ्यूल है, राइट, वो राइट फ्यूल अगर होगा तो ये गाड़ी आगे चलेगी, और अगर नहीं चल रही गाड़ी आगे इसका मतलब फ्यूल शायद गलत डाला हुआ, राइट, इजंट इट। तो ये इसका क्लू है कि इस दिन अगर फ्यूल आपकी गाड़ी में गलत डलेगा तो कैसे पता चलेगा आपको? गाड़ी चलेगी नहीं, दैट इज द ओनली वे आपको पता चल जाएगा, या आपको वो गाड़ी चलेगी तो धक्का मार के चलेगी, झटका लगा लगा के चलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है, उसमें मिलावट है, राइट। उसमें डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, बॉडी खुद ही बता देगी, आपकी गाड़ी खुद ही बता देगी, राइट। तो राइट फ्यूल क्या है इस पे हम आते हैं, यूज द राइट फ्यूल, डोंट बी पीका। पीका एक मेडिकल शब्द है, पीका उनको बोलते हैं, उन तरह के चीजों को बोलते हैं जो कि फूड नहीं है, खाना तो नहीं है लेकिन खाने की तरह लगता है, राइट। जैसे जैसे कई बार लोग चौक खाते हैं, कुछ छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो ये फूड नॉन फूड है बट पीपल ईट। ठीक इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं दुनिया में जो हमें लगता है ये खाना ही है लेकिन एक्चुअली वो खाना है नहीं, हमें लगता है, राइट, खाना ही है, जैसे बर्गर है, पिज्जा है, अरे तो खाना ही तो है ये, लेकिन वो लग रहा है, इट इज सोल्ड टू यू लाइक ए फूड। अच्छा एक टेस्ट कीजिए, राइट, अपने ऊपर नहीं किसी और गाड़ी पे टेस्ट कीजिए इस बार, आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए, पिज्जा बर्गर बिस्किट गाड़ दीजिए, एक और गड्ढा खोदिए उसमें सेब केला संतरा गाड़ दीजिए, 6 महीने बाद आइए, सेब संतरा वाला खोदिए निकालिए, कुछ सेब संतरा मिलेगा नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े खा गए। अब दूसरा खोदिए, बिस्किट भी रहेगा वहाँ, बर्गर भी रहेगा, पिज्ज़ा भी रहेगा,
कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं। नॉन फूड, कीड़े मकोड़े भी पीका नहीं है, पीका इंसान है। वो दिखने में बोल रहे हैं फूड है, आपको बेच रहे हैं फूड है, आप खा रहे हैं सोच के फूड है। पूरे दुनिया के अगर सारे क्रिएचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इट कैनॉट बी कॉल्ड एज फूड, राइट। इसको मैं साइंटिफिकली समझाता हूँ एग्जैक्टली, ताकि आज जब आप घर जाएं तो क्या करें, राइट। अब बात ये आ गया थ्योरेटिकल अभी तक, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली वंस यू गो बैक होम, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसके लिए आप देखिए थोड़ा पेशेंस के साथ। देखिए एक रिसर्च की मैं बात करता हूँ, साइंस, ये मैंने जो रेफरेंस लिए हैं सिर्फ उन्हीं जगह से लिए है जो रियली हाईली एक्लेम्ड रेफरेंसेज हैं, जिसको कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इसको डिनाई कर रहा है तो अपने एग्जिस्टेंस, मेडिकल एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है। और ये सारे रेफरेंसेज अगर जिनको चाहिए मैंने बताया, आई कैन मेल यू ऑल। 1922 में ये साइंस मैगजीन में आया कि विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर मेजर विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा गया कि विटामिन ई जो है ग्रीन वेजिटेबल में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है, सेहत अच्छी रहती है, ठीक है। तो ध्यान सबका मिनरल पे गया, विटामिन पे गया, कि ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे देखिए 1993 में ये चलता रहा 1993 आ गया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये जर्नल का नाम मैंने पहले भी लिया आपको एक दो बार। देखा गया कि जिन लोगों के बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई गई, उनमें हार्ट की बीमारी कम है। तो क्लू क्या मिल गया, हार्ट की बीमारी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉडी में, सिंपल क्लू मिल गया ना, लॉजिक तो यही कहता है, राइट। तो जिसमें हार्ट की बीमारी है तो विटामिन ई आपके बॉडी में डाल दो, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, हार्ट बीमारी कम हो जाएगी, दैट इज द लॉजिक। तो आफ्टर दिस, ये रिसर्च के बाद दुनिया भर में क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिन कंपनी, उन्होंने विटामिन ई की गोलियां बनाई, कैप्सूल बनाई, टॉनिक बनाई, और वो बेचना शुरू कर दिया, राइट। अब लेकिन जो साइंस की नज़र है, मेडिकल साइंस की, राइट, जो वो लगातार है उन लोगों पे जो विटामिन ई की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टॉनिक एंड कैप्सूल्स। अब देखा गया 2008 में, रिसेंटली पिछले 10 सालों में ये पता चला कि विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू इंक्रीज हार्ट डिजीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, विटामिन ई अपने आप में हार्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई किस सोर्स से आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। विटामिन ई अगर सीधे हरे पत्ते से आ रहा है तो वो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अगर विटामिन ई हरे पत्ते से नहीं आके बॉटल से आ रहा है तो वही का उल्टा हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। एक ही चीज है, दो अलग अलग कंडीशन में वो अपोजिट बिहेव करते हैं। और सिर्फ मैं विटामिन ई का एग्जाम्पल नहीं, ये हर एक की बात कर रहा हूं मैं, राइट। जैसे लैंसेट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल, दुनिया भर के जितने भी सारे जर्नल्स, जितने भी सारे ट्रायल्स हैं, उन सबका कलेक्टिवली एक जवाब, उन्होंने भी यह पाया है, जब भी कोई विटामिन, कोई मिनरल अगर हम उसमें निकालते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टैबलेट फॉर्म में रखते हैं, तो जिस चीज का फायदा कर रहा था वही वाली चीज में नुकसान करेगा। जो विटामिन और मिनरल आपके हार्ट के लिए ठीक था, वो जब टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा तो वही वाला अपोजिट रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो साइंस है, ये पिछले 10 साल का ही है, बहुत पुराना नहीं है, राइट, 10-15 साल का है, राइट। ये सेम थिंग इज फॉर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, राइट। फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स, ये जो विटामिन है, ये कैंसर के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो तब जब आप इसको उसी स्टेट में लेंगे जिस स्टेट में भगवान ने बना के आप तक पहुंचाया है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फॉर्म में। अगर उसमें से निकालेंगे, उसका एक कैप्सूल बना देंगे, अब वो लेंगे तो तब भी वो काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन ये बात पता करते करते पिछले 10 साल 15 साल में ये बात सामने आई, हाँ, राइट। तब तक लाखों अनगिनत लोग ऑलरेडी बीमार पड़ गए इस एजम्पशन में कि भाई हाँ, कि कोई विटामिन इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द नेचुरल स्टेट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे ट्रायल्स हैं, एक के बाद एक, राइट, ये सेम चीज बोल रहे हैं, ये सब मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोबारा से। गाड़ी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको आगे ले जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू अहेड, मूविंग यू, बताइए। व्हील्स और फ्यूल और सबने एक एक पार्ट का नाम बता दिया, चलिए मैं एक एक कर लेता हूं। मान लीजिए इंजन है या व्हील है, कि आपने बताया ये गाड़ी में तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है, क्योंकि इसी की वजह से तो जाता है गाड़ी आगे,
राइट, या फ्यूल है, जो 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 बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में रख ले वो पिक्चर, या टायर है। तो मुझे पता चल गया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती है, ये चीज ना हो तो बढ़ेगी नहीं। मैं उस पार्ट को ले लेता हूं इंजन को और उसके ऊपर बैठ जाता हूं तो क्या तब भी मैं आगे बढ़ूंगा? राइट नहीं ना, ये इंजन भी मुझे आगे तब बढ़ाएगी जब ये होल का एक पार्ट रहेगा, ना कि एक्सक्लूसिवली अपने आप में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, ओनली देन इट इज वर्किंग। राइट, ठीक इसी तरह से आप देखिए सेब, एप्पल, एप्पल में ये सारे करीब 50 तरह के इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, और बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब नेचुरल केमिकल्स हैं जो 50 तरह के, तब बनता एक सेब। और ठीक उसी तरह से जैसे गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे हैं, इसमें स्टेयरिंग भी है, इसमें व्हील भी है, इसमें इंजन भी है, फ्यूल टैंक भी है, सीट भी है, सारा मिलाएंगे तो एक गाड़ी बनती है। अगर आप सोचें कि उसमें तो मुझे व्हील है जो मुझे आगे पहुंचाता, तो व्हील उठा के दे दिया, लो भाई आगे जाओ, राइट, तो व्हील पे बैठे रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये लॉजिक कैसी बात है, राइट? तो क्यों हमें लगता है कि टैबलेट से हमारी जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी? टैबलेट से जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो टैबलेट बेच रहे हैं, ना कि वो जिन जो टैबलेट खा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है, फॉर दैट मैटर एनी एनिमल्स बॉडी, इज नॉट मेंट टू कंज्यूम द मेडिसिन एट ऑल, दवाइयों के ऊपर निर्भर होकर वो बना नहीं उस तरह से, राइट? तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं साइंस के एंगल से। आपको दवाइयां बंद करनी है, जो कि मैं चाहता हूं कि बंद करें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन वो है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ठीक से, यार कुछ भी बताते रहते हैं वो तो चले जाएंगे, मेरा ही कुछ हो जाएगा गड़बड़, एक ही जिंदगी है, ऊपर से आप घर जाएंगे तो वो तो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, जितना थोड़ा बहुत वॉश हमने किया था उसको उल्टा हो वहां पे कर देंगे। तो मैं चाहता नहीं कि आप ना अपनाएं, तो मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप अपनाएं। 1998 गुंटूर ग्लोबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो आपने सुना है। अब ये साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव किया है, आपने देखा, मान लो एक सेब यहां पे रखता हूं, एक केला यहां पे रखता हूं, धीरे 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 उसका कलर चेंज होता है, ये तो पता ही है। उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे हम सांसें लेते हैं, हम फल सब्जी सांसें लेती हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है, होते होते एक टाइम आता है जब वो कलर फर्दर और चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सड़ चुका है। अब ये होता है डेड फ्रूट्स, डेड, अब डेड बॉडी बन गया वो, राइट? तो जिंदा सब्जी और फल, और एक जिंदा होने के बाद जो मर गया वो, राइट? तो उसमें सांसें हैं, उसमें जिंदगी है, जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट? ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कलर चेंज कर रहे हैं अभी तक, यानी कि जो सांसें ले रहे हैं, सांसें कैसे लेते हैं, ठीक वैसे ही लेते हैं जैसे हम लेते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी बनता है, राइट, फ्यूल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, यही होता ना। फ्रूट्स के अंदर मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, वो ऑक्सीजन लेता है फ्रूट्स, ग्लूकोज ऑलरेडी अंदर है, राइट, वो बर्न करता है और वो एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है और उससे उसका कलर चेंज होता है, और वो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो जिंदा है अभी, जैसे आप जिंदा है क्योंकि आप सांसें ले रहे हैं और नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट, आपका ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है। एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म आपके है वही मैकेनिज्म फल के अंदर है, सब्जी के अंदर है। जब तक वो है मैकेनिज्म तब तो रंग बदलेगा, जब तक रंग बदलेगा तब तक वो जिंदा है, राइट? जब वो जिंदा रहता है उस दौरान जब उसको खाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, जब उसको खाया तो अभी वो जिंदा है, राइट, सेब अभी खाया सड़ा नहीं है तो जिंदा है, जब वो पेट में जाएगा तो वो जो जिंदा लाइव एंजाइम्स हैं, राइट, उसके अंदर एड्रेस कोड लिखा हुआ है। एड्रेस कोड मतलब कि ये न्यूट्रिशन, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कैल्शियम, ये बॉडी के किस ऑर्गन में कहां जाके कौन सा काम करेगा, इसे कहते हैं एड्रेस कोडिंग। इन्होंने जब नोबेल प्राइज लिया था तब इसको सबको समझाने के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल यूज किया था, मैं वही एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या होता है, आपका दोस्त लंदन में है, उसको आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, फिर हाउस नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, देश का नाम लिखते हैं, तो अनगिनत लोगों में वो चिट्ठी एग्जैक्टली जाके उसी को पहुंचती है, इजंट इट, दैट इज अ पोस्टल सिस्टम। ठीक उसी तरह से जो सेलुलर, जो फल और सब्जी जिंदा है, उसके हर अंग अंग में, मीन्स उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, हर एक में
पोस्टल एड्रेस भगवान ने न जाने कैसे लिख के डाल दिया है, इसे कहते हैं सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, राइट। सो उसमें पोस्टल एड्रेस है, उसमें पहले से ही तय है कि जब ये खाएंगे तो किस तरह से वो बॉडी में ट्रेवल करेगा और कहाँ उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है वहीं ट्रेवल करके वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, राइट। ये इमेजिनरी नहीं है, ये साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, राइट। वो ऑलरेडी है, लेकिन वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि वो जिंदा है। अगर उसको आप इमेजिन कीजिए, चिट्ठी आपने लिखी, एड्रेस भी डाला, नाम भी डाला, हाउस नंबर डाला, सब कुछ डाला, सिटी का नाम भी, और वो पोस्टमैन के पास पहुँचते पहुँचते वो कहीं पानी में गिर गया, थोड़ा सा जल गया, एड्रेस का एक पार्ट गल गया, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा कि अशोक कुमार स्ट्रीट नंबर, नंबर के आगे नहीं आ रहा, वन और आगे टू था कि थ्री था। तो जो स्ट्रीट नंबर नहीं आ रहा, उसको पता है कि तीन चार स्ट्रीट है, उनमें जितने भी अशोक कुमार है, चांसेस है कि उनमें से किसी एक को दे देगा वो, चांसेस ये कि वो राइट जगह जाएगा, चांसेस ये कि वो रॉन्ग जगह जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि एड्रेस का कितना पार्ट विजिबल है उसको, क्लियर है ना। हो सकता करेक्ट जगह जाए, लिखा है अशोक आगे कुमार लिखना कि वो जल गया है, अब तीन अशोक है, हो सकता है कि वो ठीक जगह जाए गलत जगह जाए। कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही जल गया, सिर्फ शहर का नाम लिखा है, अब तो पक्का ही गलत जगह जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप खाने को हीट करते हैं तो धीरे 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 वो जो एड्रेस कोडिंग है, सिग्नलिंग सिस्टम है अंदर का, वो धीरे 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 वो खत्म होता जाता है। न्यूट्रिशन उतना ही है, अंदर चिट्ठी इंटैक्ट है, न्यूट्रिशन वही है, एग्जैक्ट सेम है, उसमें प्रोटीन भी उतना ही है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही है, कैल्शियम भी उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ, एड्रेस कोडिंग जो है वो खत्म हो गया या कम हो गया। अब वो जब स्टमक में आता है अकॉर्डिंग टू दिस नोबेल प्राइज, कि वो पता है कि यहाँ आ गया हूँ, अब जाना कहाँ है, पोस्टमैन के पास इतनी सारी चिट्ठियाँ तो आ गई लेकिन एड्रेस नहीं दिख रहा, तो पोस्टमैन क्या करेगा, रैंडमली इधर उधर देना शुरू कर देगा, भाई जिसकी किस्मत उसको मिल जाएगी, यही तो करेगा वो। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो कि ड्राइवर है, राइट, वो सोचती है कि भाई ये आ तो गया है लेकिन मैं एड्रेस पढ़ाने जा रहा, तो अपने सूझबूझ से कोशिश करता है कि ठीक जगह पहुंचे या ना पहुंचे, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इलनेस। इलनेस की शुरुआत यहां से हो गई, राइट। सो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप खाने को बॉडी के अंदर भेजते हैं बिना सिग्नलिंग सिस्टम को छेड़े, बिना एड्रेस कोड को छेड़े, तो आपके बॉडी में जहां ट्यूमर है, जहां स्टोन है, जहां पे ब्लॉकेज है, जो भी कुछ जहां पे है, वो न्यूट्रिशन वहीं पे जाएगा, उसको वहां करेक्ट करेगा, एंड ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999 यही कहता है, राइट। सो दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन, इट इज नथिंग न्यू नाउ, इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर बॉडी सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट इज जस्ट डिस्कवर्ड इन 1999, ये ऑलरेडी है, कोई आज नहीं बना है, राइट। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गई गड़बड़। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे लखोटिया जी, जानते हैं आप सुभाष लखोटिया, तो बिल्कुल हेल्दी दिखते थे और हेल्दी थे भी, और कैंसर हो गया उनको काफ़ी ज़्यादा, फिर आए कि उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो चाय तक नहीं पीता, या और मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, चाय पीता हूँ तो बहुत कम, और एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, कैंसर मुझे क्यों हुआ, राइट। तो एक बात याद रखिए कि आप जो खाते हैं, हम जो खाते हैं, ये कोई पॉइजन नहीं खाते, ये बात सच है, लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं, आपसे पूछूं कि क्या खाया था, जब भी कोई मेरे ऑफिस में आता तो मैं फॉर्म भराता हूँ, क्या खाया था, क्या खाते हैं आप, तो सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, या फिर और पिछले 10 साल से यही, या फिर सुबह सुबह चाय बिस्किट, शाम को भी चाय बिस्किट, ये पूरे इसमें आप बताइए सिग्नलिंग सिस्टम कहाँ गया, है ही नहीं। तो अब क्या है कि ये धीरे 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 ब्रेन की भी समझ खत्म हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू इल, दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू कैंसरस, राइट। क्यों? क्योंकि हम पॉइजन नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, हमने पहले एड्रेस कोड हटा दिया, पोस्टल वो हटा दिया, अब वो हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, राइट। सो दैट इज द, तो दैट्स व्हाट आई सेड, और मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है किसी भी स्टेज का, कैसे करना है, मैं आपको अगला लास्ट 5 मिनट लूंगा और आपका या 10 मिनट लूंगा कि कैसे करना है, बता दूंगा मैं और डिटेल में, लेकिन ये बताता हूँ कि कैंसर 3rd स्टेज हो या 4th स्टेज हो, अगर वो सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर सकता है तो उसकी कैंसर का ठीक हो सकता है इजिली, राइट। थैंक यू। सो तो यहाँ पे अब आते हैं 7वें रूल पे, करना क्या है, कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट आखिरी रूल है, राइट। तो आप देखते हैं आपके जीवन में कि जब भी गाड़ी चलाते हैं
और आगे कोई रुकावट आती है, आगे कोई कोई पत्थर आता है या आगे भीड़ ज़्यादा है, तो आप गियर चेंज करते हैं, यू चेंज द गियर, राइट। चौथे गियर पे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी चले, लेकिन कभी कभी जैम ज़्यादा तीसरे दूसरे पहले गियर पे चलाना मजबूरी हो जाती है। बट एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर यू डिसाइड कि कौन से गियर पे आपको चलाना है, कितनी देर तक चलाना है। ठीक उसी तरह से इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, वो जीवन 100 साल जीते हैं और जीवन में ज़्यादातर वो फोर्थ गियर पे चलाते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है द ब्लू जोन पीपल, राइट। ये पिछले महीने का टाइम मैगजीन लेंगे ना तो उसमें दिखेगा आपको कि दुनिया में ये एक जगह है अलग अलग शहर अभी भी राइट नाउ, जहाँ पे लोग 100 साल जिंदा रहते हैं, जहाँ पे लोग ना कैंसर होता है, ना हार्ट डिजीज होता है, ना उनको डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है। वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। अगर आप में से किसी का दोस्त डॉक्टर है और वो सोचे कि मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लूँ, तो वो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाले, राइट। सो ये ब्लू जोन पीपल, दे आर द एक्सपर्ट ड्राइवर। तो ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, अगर वो जान लें तो दैट इज़ ए सोल्यूशन। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखना है, दो तरह के लोग हैं जो आपको ड्राइविंग सिखाने आए हैं। एक वो जो बहुत अच्छा ड्राइविंग चलाते हैं, बहुत सालों से चलाते हैं, कभी एक्सीडेंट किया नहीं, बड़ा फास्ट चला सकते हैं और एक्सीडेंट कभी नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा अनपढ़ है। दूसरा वो टाई बांध के आया, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है लेकिन वो रोज ही एक्सीडेंट करता है। किससे सीखना पसंद करेंगे? लेकिन वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो अंग्रेजी ही बोल सकता है, टाई भी लगा के आया है, राइट। तो और फर्स्ट वाला मैंने अभी आपको बताया, एक्सपर्ट ड्राइवर है बट ही मे नॉट बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन और मे नॉट बी गुड हैविंग द डिग्रीज। तो ड्राइविंग सीखना है आपको, स्विमिंग सीखना है आपको, कौन से, पहले वाले से दूसरे वाले से? ऑब्वियसली मान लो आपको स्विमिंग सीखना है तो आप ये नहीं देखेंगे, बताओ पहले कितनी डिग्री है, ये पानी के अंदर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो पहले आप समझाओ मुझे, राइट। और वो समझा भी देगा तो क्या उसका कोई यूज़ है स्विमिंग सीखने में एक्चुअली, हाँ, कि कितनी डिग्री पे ये 330 डिग्री पे आप करके जब इतनी स्पीड पे आप जंप लगाएंगे तो कितने गहराई तक पहुंचेंगे और उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, इतने रहेंगे तो जाके आप फ्लोट करेंगे, विल दैट मेक एनी यूज इन योर लर्निंग ऑफ स्विमिंग? नॉट एट ऑल, राइट। तो ठीक उसी तरह से आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है, ठीक उसी तरह से आप अगर सोचते हैं इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आप ये पूछिए कि सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको स्विमिंग जिससे सीखना है, क्या आप स्विमिंग जानते हैं? अगर उसका आंसर यस मैं जानता हूँ तो ही हम उसे सीख सकते हैं, राइट। कोई अगर खुद ही हेल्दी नहीं है तो आपको कैसे बताएगा कि वो आप हेल्दी कैसे रहें, राइट। इंडिया में देखा कि डायबिटीज़ के डॉक्टर वो खुद ही डायबिटीज़ पेशेंट है, तो आपको कैसे बता सकते हैं कि डायबिटीज़ कैसे ठीक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनसे सीखिए कि कैसे करना है, कैसे ये करते हैं, राइट। ये कैसे करते हैं, आई हैव स्टडीड इट लॉट, उसको मैं समराइज कर रहा हूँ और वो समरी मैं आपको दे रहा हूँ, हाउ टू डू इट। ब्लू जोन पीपल वॉट दे डू, देखिए इसमें उसको आप एग्जैक्टली आज से ठीक से कर पाए, आसानी से कर पाए, बिना कन्फ्यूजन हुए, उसके लिए दिस कॉल्ड फूड इंडेक्स। ये चार्ट आपको कार्ड के फॉर्म में मिल जाएगा, जब बाहर जाएंगे फीडबैक फॉर्म देंगे और ये एक चार्ट आपको कलरफुल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा पूरा बड़ा, राइट। उन सारा कुछ लिखा है, लेकिन क्या करना है, कैसे उपयोग करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए इसमें यहाँ पे दिया है ग्रीन में आपकी हाइट और यहाँ पे दिया है रेड में आपका वेट, हाइट एंड वेट। अपना हाइट आपने मेजर किया, अपना वेट आपने मेजर किया, इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी का हाइट है 4 फीट 10 इंच, उसका वेट है 57 kg, तो उसके लिए एक नंबर है 450, 450। तो 450 आपका कोड हो गया, नंबर हो गया, इसे आप बोल सकते हैं फूड इंडेक्स। तो हर एक के लिए उसका एक फूड इंडेक्स होगा जो कि बदलता भी रहेगा, हाइट तो बदलेगी नहीं लेकिन वेट तो बदलता रहेगा ना, तो वेट जब भी बदलेगा तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, आपका जो फूड इंडेक्स है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इजंट इट, तो विच इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो पहला स्टेप आपका इंडिविजुअली फूड इंडेक्स क्या है, जिसे अल्फा बोलते हैं, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक नंबर है। ऐसा इंसान जो 4 फीट 10 इंच का है और 57 kg का है, उसका फूड इंडेक्स कितना है, मैंने अभी बताया था आपको 450, राइट, दैट इज द नंबर। स्टेप टू आपको सिर्फ ये, यहां पे रूल एक ही है कि आपके बॉडी से क्या निकाल के बाहर फेंकना है, डायोक्सिन निकाल के बाहर फेंकना है, दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एड्रेस कोडिंग रहना चाहिए, राइट।
दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. बट हाउ टू अचीव इट इजिली आजकल के लाइफ स्टाइल में, उसको कैसे करें और वो कितनी दिन में होगा, क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है वो बता रहा हूँ. 4 फीट 10 इंच का आदमी या औरत और उसका वेट कितना था, 57 kg, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट. उसका फूड इंडेक्स कितना था, 450. अगर आप चाहते हैं, वो इंसान चाहता है कि उसके बॉडी में जो डायक्सिन्स हैं वो निकल जाए, ट्यूमर्स हैं वो खत्म हो जाए, ब्लॉकेज है वो चले जाए, कितने दिन में जाएगा वो मैं आगे आऊंगा, राइट. उसको ये करना है कि पूरे दिन भर में उसका जो बजट है 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स में चॉइस उसी की है, वो केला हो या आम हो या सेब हो, ये उसी की चॉइस है. आपको ये नहीं देखना कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने मेरा वीडियो देखा था, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा है. जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो ज़्यादा मीठा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट. थैंक यू फ्रेंड्स. तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक दिन टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. लेकिन मैं इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को हमेशा ये वार्निंग देता हूँ कि जिस दिन आप ऐसा कुछ करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उस दिन आपको बार बार ब्लड शुगर चेक करना है, क्योंकि उस दिन आपको उतनी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी रोज़ पड़ती है. हो सकता है उसके आधे से कम चल जाए, उससे भी कम लगे. अगर आप उस दिन भी उतना इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसिमिक, राइट, यू मे डाई, राइट. आप सोचेंगे एक तो मैं ज़्यादा मीठा खा रहा हूँ तो इंसुलिन कम से कम उतना तो ले ही लूँ, राइट. वो खतरा है, इसीलिए आप ध्यान सुनिए क्या करना है आपको, कैसे करना है, दवाई कैसे छोड़नी है और फूड को कैसे इंक्लूड करना है. तो उस इंसान का बजट जिसका फूड इंडेक्स 450 है, कि दिन भर में 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, कौन से फ्रूट, कितने वाले, कब खाना है, ये सब आप देखें. यू आर ए ड्राइवर, ये मैं नहीं बताने वाला. दूसरा, 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल जो कच्चे फॉर्म में हो, जब उसमें एड्रेस कोडिंग ऑलरेडी हो, राइट, मूली, गाजर, राइट, या फिर टमाटर या खीरा या ककड़ी या मटर, ये सारी चीज़ें, कितने सारे वेजिटेबल, कब खाना है, कैसे खाना है, वो सब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ. मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ 24 घंटे में 450 ग्राम्स ऑफ वेज, एक्स अमाउंट ऑफ एक्स टाइप ऑफ वेजिटेबल आपके पेट में जाना चाहिए, ये पहला. दूसरा, पत्ते, राइट, ग्रीन लीव्स. आप देखेंगे पूरे संसार का जो एक तिहाई पार्ट है, अगर ऊपर देखेंगे वो हरा ही दिखेगा आपको, ग्रीन. तो भगवान ने पत्तों के रूप में मेडिसिन छुपा के रखा है, राइट. लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन बनाता है. उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली लाइक हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड. हमारा जो ब्लड है और क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट. दोनों में कंपैटिबिलिटी है. आप देखेंगे कोई भी जानवर होता है जिनके घर में डॉग है, कैट है, जब भी वो बीमार पड़ते हैं वो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं, आपको पता ही है, और बीमारी ठीक हो जाती है, उल्टी हो जाती है. टाइगर भी ऐसे ही करता है, राइट. सारे एनिमल भी ऐसे करते हैं. तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक मेडिसिन है, जो मेडिसिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे, मैं पूछूं पत्ते कब खाए थे, पत्ते क्यों खाएंगे हम, जो तो खाना नहीं है उसको तो रोज खाते हैं, जिसको खाना भगवान ने बना के भेजा उसकी तरफ देखते हुए भी दिखता ही नहीं, वो इनविजिबल, राइट. तो हर दिन आपको अल्फा यानी कि फूड इंडेक्स 450 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 45 ग्राम्स ऑफ लीव्स, ग्रीन लीव्स. कौन से पत्ते खाने हैं, कब खाने हैं, ये मैं नहीं जानता, ये आप देखिए. एक दिन वेजिटेबल शॉप के सामने खड़े हो जाइए, देखिए कहाँ कहाँ पत्ते हैं, कौन कौन सा हरा लग रहा है, उनमें देखिए कौन सा आप खा सकते हैं इजिली. वो पुदीना हो सकता है, वो धनिया हो सकता है, वो पालक हो सकता है, वो पान का पत्ता हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप देखिए, यू आर द ड्राइवर, राइट. और नट्स, किसी भी तरह का नट्स, 0.05, उसका भी आधा कितना हो गया, करीब 20-25 ग्राम, राइट. स्प्राउट्स करीब 20-25 ग्राम. अगेन, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब का कैलकुलेशन में बता दिया है, राइट. ये चीज खाना है, और अकॉर्डिंग टू ब्लू जोन पीपल वो क्या नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज जिसमें डायोक्सिन हो, डायोक्सिन किसमें होती है, कोई भी खाना आपके टेबल पे आने से पहले अगर वो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है तो उसके अंदर अनजाने में ही सही डायोक्सिन आ जाता है, राइट. डीएलएस का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएलएस, तो सिंपल भाषा में कोई भी खाना आपके टेबल में आने से पहले अगर फैक्ट्री के रास्ते से आपके टेबल में आता है तो उस प्रोसेसिंग में, चाहे वो पैकेजिंग बोले या प्रोसेसिंग बोले, उसमें अनवांटेड, अननोइंगली केमिकल्स बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डीएलएस, राइट. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इंडस्ट्रियल फूड, ऐसे खाना जो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है, वो पता चल जाएगा ना देख के. एनीथिंग विच इज पैक्ड, कोई भी चीज़ पैक्ड है तो पैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है, वो सजाने के लिए ठीक है, खाने के लिए ठीक नहीं है, राइट.
सो बस इतना रूल याद रखना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको मैप दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूँ. ये वो जगह है राइट, यहाँ पे लोगों की जो एनिमल फूड कंजम्पशन, एनिमल फूड मतलब मीट, मछली, दूध, अंडा, इज लेस देन 2% और निग्लिजिबल, जीरो, या तो 2% है या बिल्कुल भी नहीं है राइट. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो जब ठीक होना हो तो जो नॉन, जो एनिमल फूड है, एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट मछली नहीं, एनिमल से निकला हुआ प्रोडक्ट, जैसे दूध है वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है, एनिमल फूड है. तो एनिमल फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक एनिमल फूड के अंदर डायोक्सिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और आप डायोक्सिन बॉडी से निकालना चाहते हैं और डायोक्सिन ही बॉडी में डाल रहे हैं. कोई बोलेगा अगर दूध नहीं पियेंगे तो वो क्या क्या है, क्या नहीं मिलेगा आपको? देखिए ये सवाल मैं कहीं भी पूछता हूँ, किसी भी देश में जाके पूछता हूँ, किसी भी ग्रुप में पूछता हूँ, चाहे वो बच्चों का ग्रुप हो, आंसर एकदम से कैल्शियम. अच्छा ये बताइए कैल्शियम क्यों चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग बोन्स, नहीं तो हड्डियां पिघल जाएंगी, वो गल जाएंगी, हम चल नहीं पाएंगे, हजारों चीज राइट. इजंट दैट, आपने कभी गधे की हड्डी देखी है? घोड़े की तो देखी होगी, हाथी की देखी होगी, क्या लगता है कैसा हड्डी है? वेरी स्ट्रांग. गाय जो इतना कैल्शियम देता है दूध के फॉर्म में, उसकी वो खुद कैल्शियम कहां से मिलता है उसको? घास से मिलता है, जो कि हम मिस करते हैं, ग्रीन लीव्स राइट. तो दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है. एक रूल मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज का कंटेंट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो हमें फायदा कर रहा है. दूध से भी ज्यादा कैल्शियम चाहिए आपको एक और चीज में है, नाखून में. तो नाखून क्यों नहीं खा लेते भाई? बोले भाई नाखून आप काट के फेंका मत कीजिए, मेरे घर पे दीजिए, मैं सबसे ज्यादा कैल्शियम खाना चाहता हूँ. बाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, कैल्शियम है राइट. तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज इन इनडाइजेस्टिबल फॉर्म राइट, अनअब्सॉर्बेबल फॉर्म. एक ऐसे फॉर्म में कैल्शियम है जो बॉडी हमारा ले नहीं सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी जानवर नाखून नहीं खाता है राइट. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप अपना खाने का डेफिनेशन बदल दीजिए, ये कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम की जगह हाईएस्ट एब्जॉर्बेबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ग्रीन लीव्स, हाईएस्ट एब्जॉर्बेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन नट्स एंड वेजिटेबल्स राइट. अगर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एनिमल फूड, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन तो बाल में भी है, तो बाल क्यों नहीं खा लेते भाई? क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल नहीं है राइट इसीलिए नहीं खाते, कोई भी एनिमल नहीं खाता फॉर दैट मैटर. बोलते कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेंगे राइट. कई बार डिस्कशन होता है हमारा मेडिकल, अरे आप तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, वेयर आई विल गेट द कार्बोहाइड्रेट? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना है वो है लकड़ी में. लकड़ी क्यों नहीं खा लेते? पाउडर बना के खा लीजिए, पी जाइए, क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है. तो दिमाग में ये डाला हुआ है कि हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट नहीं से मतलब नहीं, हाईएस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ओनली देन इट इज अ फूड एंड दैट इज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. Highest and absorber form of nutrition, एक ऐसा nutrition जिसमें address code होता है जो body में जाके अपनी जगह पर रख देता है. अगर आपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, address डाला ही नहीं, उठा के post box में डाल रहे, कुछ होने वाला है उसका right? तो आपको पता है उसका कोई end result नहीं है, चिट्ठी चाहे कितने भी लिख दें. ठीक उस तरह से आपका post box है, आप जब भी कुछ डालेंगे उसमें ये तो देखेंगे ना address है क्या, इसको पता है ना इसके nutrition body में कहाँ जाएगा. वो Nobel Prize winning science 1999 right? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी के अंदर जब भी कुछ जाएगा अगर उसमें एड्रेस कोड होगा तो वो सही जगह जाएगा, नहीं तो वो डायोक्सिन की वजह से इट विल क्रिएट प्रॉब्लम राइट. इसके अलावा लीव्स में बता दिया, नट्स बता दिया, स्प्राउट बता दिया, वेजिटेबल बता दिया, फ्रूट्स बता दिया. इसके अलावा जो भी आपको खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो जितना मर्जी खाना है, जैसा मर्जी खाना है, वो आप खाते रहिए. वो खाया लेकिन आपका ये बजट है, ये दवा है जो मैंने आपको बताया राइट, दिस बिकम्स अ मेडिसिन and that becomes a food, right? So, ये करना है. अब कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है, कारण क्या करने का राइट. तो इसमें चार तरह के लोग हैं. पहला, अच्छा कैसे करना है, नॉर्मली फ्रूट्स जो है वो 12 बजे तक वी ट्राई टू टेक फ्रूट्स, और 12 बजे के बाद वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड, लीव्स, नट्स, स्प्राउट, 8 बजे तक क्यों बल्कि 7 बजे तक. जब तक सनलाइट रहती है तो बॉडी का मोड जो है वो एब्जॉर्बेबल मोड होता है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पोस्टमैन के पास चिट्ठी आ गई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, लेकिन अंधेरा है, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा. सब कुछ है तब भी वो सही जगह पहुँचा नहीं पाएगा. ठीक उसी तरह से ना जाने क्यों हमारा बॉडी भी जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट के एड्रेस को पढ़ के सही जगह तभी भेज पाता है जब सनलाइट रहता है.
तो दिन में खाना है, रात के 12 बजे नहीं खाना है। एक्सेप्शन में कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली रात के 12 बजे या 10 बजे या 9 बजे ट्राई टू अवॉइड जितना हो सके उतना, उससे आपको फायदा मिलेगा, राइट। सो नाउ अब द फोर्थ गियर डाइट, गाड़ी का चौथा गियर जिस पे आपको जीवन भर गाड़ी चलानी है, मोस्टली आपको गाड़ी चलानी है, नॉर्मल स्पीड है चौथा गियर, वो क्या है? ईट इन अकॉर्डेंस टू द अबव थ्री स्टेप्स ऑफ फूड इंटेक, जो मैं अभी एक्सप्लेन किया है उस तरह से अगर खाएंगे तो दैट इज द फोर्थ गियर। मतलब जीवन में हेल्दी रहने के लिए दैट इज द डाइट, वो कोई भी ले सकता है अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करके कि पूरे दिन में इतना फ्रूट, इतना वेजिटेबल, इतना लीव्स, इतना नट्स और इतना स्प्राउट खाना ही खाना है, और उसके अलावा जो मैं नॉर्मली खाता हूं चलो वो भी खाते रहूंगा, माइनस एनिमल फूड एंड माइनस इंडस्ट्रियल फूड। दैट इज द कॉमन प्रिंसिपल। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डे भी रख सकते हैं, इतनी मेहनत 6 दिन कर रहे हैं, एक दिन पार्टी में गए, मैरिज में गए, राइट, और तब आप चाहें तो आप लोगों को बोलेंगे नहीं मैं तो फोर्थ गियर पे हूँ, बोलेगा ये क्या बोल रहा है तो पागल हो गया है, हाँ कहीं पत्ते ढूंढ रहा है। तो एक दिन के लिए 6 दिन अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन के लिए आपका बॉडी आपको बोल देगा चलो यार जो मर्जी कर लो एक दिन, राइट। तो कभी कभी आप एक्सेप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये किन के लिए है और दवा कैसे छोड़नी है उस पर मैं अब आ रहा हूँ। ऐसे पेशेंट जो 10 साल से कम वाले हैं, ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं, ब्लड शुगर की गोली ले रहे हैं, राइट, और 10 साल से कम वाले ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की गोली वाले, वो इस डाइट पे रह के जिस दिन रहेंगे फ्रॉम द सेम डे यू कैन स्टॉप द मेडिसिन। अब इसको ध्यान सुनिए, अगर मेडिसिन कम कर देंगे और इस डाइट पे रहेंगे ब्लड शुगर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, आप चेक कर सकते हैं, वो तो ग्लूकोमीटर है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ही तो है, ये मेडिसिन का काम कर रहा है, मेडिसिन की जगह ये काम कर रहा है, लेकिन इसमें डायक्सिन नहीं, डायक्सिन निकाल रहा है। तो जिस दिन आप ये सब चीज करेंगे उस दिन से दवा छोड़ देंगे और उसकी जगह ये करेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पे आप ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो नॉर्मली वही मिलेगा जहां दवा की वजह से कंट्रोल होने के बाद मिलता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। दवा इसीलिए तो ले रहे हैं कि एक लेवल पे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चाहिए आपको, वो अगर उसके बिना मिल रहा तो ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कितना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, राइट, इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं आपको वन लाइन आंसर देना चाहता हूँ, वो ये कि 6 मार्च यानी कि पिछले महीने लगभग 1 महीने पहले पूरे दुनिया में एक नया रिपोर्ट सामने आया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल कम्युनिटी का, सबसे बड़ा सबसे पुराना, 1912 में बना है, इन्होंने अब ये माना है, देखा है कि ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे, 140 से नीचे करेंगे दवा से, तो आपके मरने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे लोग जल्दी मरते हैं। तो जो दिमाग में भरा हुआ है कि मुझे 100 लाना है किसी भी तरह से, इसको दिमाग से फेंकिए, 100 आ जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी रहेगी तब ना। अब मैंने अक्सर देखा नर्स को आपस में फुसफुसाते हुए, डॉक्टर से बात करते हुए, पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली मेंबर को समझाते हुए, कई बार पेशेंट का डेथ हो जाता है, नर्स समझा रही है बहुत दुख है पेशेंट का डेथ हो गया, लेकिन खुशी की बात यह कि ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू अचीव, आपका मकसद क्या है, कोई एक नंबर अचीव करना या हेल्थ अचीव करना, एंड दोनों एक चीज नहीं है, नंबर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ। और वो अब ये जो नया गाइडलाइन आया, ये गाइडलाइन क्या है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये गाइडलाइन नहीं मान रही, इस गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी का ब्लड शुगर बिना दवा के 250 से नीचे रहता है तो वो नॉर्मल है। ये मैं नहीं बोल रहा, तो बोलता ही था पिछले 4-5 साल से, मेरी सारी किताबों में है, लेकिन ये HbA1c अगर 8 से नीचे बिना दवाइयों के तो वो नॉर्मल है, और कोई भी इंसान दवा खा रहा है उसके ब्लड शुगर अगर 140 से नीचे आ गया तो ये नुकसान हो जाएगा उसको, दवा उसी वक्त छोड़ दे, ये इंस्ट्रक्शन में है, राइट, ये इंस्ट्रक्शन में, ये आप गूगल से ले सकते हैं या मैं भी आपको भेज सकता हूँ, राइट। सो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, राइट। सो दिस मीन्स कि आपको दवा छोड़ना है बिकॉज आपको हेल्थ को अपनाना है, राइट। नाउ इट इज ऑफिशियल, ये देखा गया है कि दुनिया में ऐसे लोग जो एग्रेसिवली अपने ब्लड शुगर को नीचे रख रहे हैं, 120, 130, 100, 110 दवा लेके, यार ये सेफ रेंज है, दे आर मोर सिक देन द पीपल जिनका 200, 205, 230 किसी भी तरह से जो कम एग्रेसिवली रख रहे हैं, राइट। सो बहुत आता है, स्ट्रेस आता है, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, यस, वो पसीना आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, वो सारी चीजें 2-4 दिन में भाग जाएंगी आपकी। कमिंग बैक टू हियर, अब ACP गाइडलाइन फॉर ब्लड शुगर मैंने आपको बताया, अब ब्लड प्रेशर क्या है,
दवा छोड़ने के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला 150 से नीचे रहता है दवा छोड़ने के बाद, तो दैट इज वेरी सेफ एंड नॉर्मल। इससे ऊपर रहता है इसका मतलब दवा थोड़े दिन जरूरत पड़ेगी आपको, और थोड़े दिन दवा लेने के बाद अलॉन्ग विद दिस फूड आपका ब्लड प्रेशर जब नीचे आने लगेगा दवा छोड़ने के बावजूद भी कितना रहेगा 150 सिस्टोलिक, उससे नीचे तो मतलब अब वो टाइम आ गया दवा छोड़ने का, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द फोर्थ गियर डाइट, कि उस डाइट में ये उन्हीं लोगों के लिए डाइट है जो कि जनरल वेलबींग के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, या जो मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, और ऐसी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो 10 साल या उससे कम वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ गियर डाइट, दिस डाइट जो कि अभी तक बताया। और ये कब तक लेना है, कई बार पूछते हैं डॉक्टर साहब कब तक लें। मान लीजिए आपके पास कोई आता है बोलता है कि भाई बहुत कीचड़ है, बहुत गंदा हो गया, क्या करूँ, आप बोल नहा लो साफ हो जाओगे। फिर बोलता है अब साफ रहने के लिए कब तक नहाना है, जीवन भर रहना है ना रोजी, राइट। तो आप कब तक ठीक रहना चाहते हैं ये बताइए, मैं बता दूंगा कब तक ये खाना खाना है, राइट। सो थर्ड गियर उनके लिए है जिनकी हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की 10 साल से ऊपर है, ऐसे लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और साथ में हार्ट पेशेंट है, राइट, और ट्यूमर है, स्टोन है, पाइल्स है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, राइट। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब HIV नहीं होता, कि HIV नाम का वो तो आगे आएंगे, किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, राइट। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, थर्ड गियर पे अपनी गाड़ी चलाएंगे थोड़े दिन तक, हमेशा के लिए नहीं, जब तक इससे बाहर ना निकल जाए, फिर अल्टीमेटली फोर्थ गियर पे ही चलाना है। आप थर्ड गियर पे हमेशा नहीं चलाते, जब तक देखते हैं कि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो थर्ड गियर पे थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, isn't it? तो ठीक उसी तरह से थर्ड गियर डाइट फॉर सम टाइम, नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। जब तक स्टोन है, जब तक वो पेन है, जब तक वो दवाई लेनी पड़ रही है, जब तक इंसुलिन खत्म नहीं हो रहा, तब तक इस डाइट में क्या करना है, फोर्थ गियर डाइट में जो किया वही करना है। साथ में जो कुक्ड फूड है उसका अपर लिमिट मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला डाल दिया है कि आपका बॉडी वेट जितना है उसका डबल। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg, इंटू 2 कितना हो गया, 140 ग्राम या इससे कम, इतना ही फूड कुक्ड फूड आपको अलाउड है। कुक्ड फूड में रोटी चावल दाल सब्जी जो भी कुछ है दिन भर में, लेकिन थर्ड गियर में जब तक है तब तक, थर्ड गियर में जिंदगी भर नहीं है, 2-4 महीने की बात है, दिन भर में कुक्ड फूड कितना अलाउड है, आपका बॉडी वेट इंटू 2 दैट मेनी ग्राम्स, क्लियर है। ये आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंटआउट फॉर्म में मिल जाएगा हर एक को जब आप बाहर जाएंगे। प्लस इन एडिशन टू जो भी फोर्थ गियर वाला कर रहा है उसके अलावा ग्रीन लीव्स कितना लेना है, पहले भी इसमें भी ग्रीन लीव्स था वो तो लिया ही, उसके अलावा आपका बॉडी वेट, मेरा मान लो 70 है तो 70 ग्राम्स अलग से, राइट, 70 ग्राम तो उधर भी ले रहा था, इधर भी या उधर भी ले रहा था ग्रीन लीव अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, बट इन एडिशन टू दिस आल्सो एक्स्ट्रा, राइट। यानी कि आपको दवा की डोज ज़्यादा करनी है। आप एक बात मानिए कि जब भी आप ग्रीन लीव लेंगे तो एकदम वो क्या करता है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लॉकेज को एकदम से खत्म करता है, कोलेट्रल आर्टरीज को एकदम से खोलता है 2-3 दिन में। तो चौथे दिन आपकी मजबूरी हो जाएगी, हाई डोज जो था ब्लड प्रेशर का वो कम करना पड़ेगा, वो कम करने के बाद आप देखेंगे कि आप चल पा रहे हैं, आपकी सांसें कम फूल रही हैं, आपका पेन गायब हो रहा है, वो एंजाइना अब नहीं है। तो ये सारी होती हैं ग्रीन लीव से, राइट। सो ग्रीन लीव की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे दे दिया है। अच्छा ये कब तक करना है, लगभग मैंने देखा 1-3 महीने के बीच में करने से सारी गोलियां इंसुलिन बंद हो जाती हैं लगभग ऑन एवरेज, राइट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं उनको लगभग 9 महीने करना है ये, राइट, 9 मंथ्स लग जाते हैं उनको कैंसर फ्री होने में। सो ये दिस इज थर्ड गियर इज फॉर कैंसर पेशेंट, थर्ड गियर इज फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, थर्ड गियर इज फॉर द पेशेंट हु आर हैविंग डायबिटीज और हाइपरटेंशन फॉर मोर देन 10 ईयर्स। नाउ इसके बाद कौन सा गियर होना चाहिए, सेकेंड गियर एग्जैक्टली लाइक थर्ड गियर, ये उसके लिए है जो मरने वाला है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप चल के यहां पे हैं तो इतने हेल्दी तो हम हैं, ये उसके लिए है जो अदरवाइज मरने वाला है। तो उसके लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ कैंसर या इंफेक्शियस डिजीज, राइट। इसमें क्या है, सेम एज थर्ड गियर डाइट माइनस कुक्ड फूड, कोई भी चीज आग में जाएगा तो वो उसके लिए नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के लिए, कितने दिन के लिए, इंफेक्शियस डिजीज जब भी आपको बुखार हो जाए, मैंने आपको बताया बुखार है आपने दवा ले लिया तो क्या हो गया,
दवा जब ले लिया तो बॉडी में डायोक्सिन जा रहा है ना, तो दवा तो लेना नहीं है। यहां तो हम बात करें दवा लेना नहीं है, और बुखार हो गया तो क्या करें कि बुखार कम हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बुखार हो दवा लेना नहीं, क्योंकि दवा लेने से केमिकल जा रहा है विच वी डोंट वॉन्ट। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप टेम्परेचर को उसी वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल मतलब टेम्परेचर 101 102 के ऊपर ना जाए, 101 पे टिका रहे, टेम्परेचर तब तक रहता है जब तक बॉडी में वायरस है या बैक्टीरिया है। टेम्परेचर रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा देर तक या ज्यादा बढ़ेगा 104 105 तो बॉडी के अपने सेल भी मर जाएंगे, यानी कि यू विल डाई। तो लेकिन हम दवा नहीं ले रहे हैं बट टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा रूल है कि अगर थर्ड गियर डाइट पे कोई रहे माइनस कुक्ड फूड, जैसे ही आपने देखा टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है उसको सेकेंड गियर पे ले आए, मतलब कुक्ड फूड को माइनस कर दिया, बाकी सब सेम है, तो आप देखेंगे कि उसकी टेम्परेचर 101 102 उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, सेफ रेंज में रहेगा। और विद इन 24 आवर्स से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर राइट, उसका फीवर जो भी कारण था फीवर का वो वैनिश हो जाएगा, ही विल कम बैक टू नॉर्मल। इट इज टेस्टेड 1000 टाइम राइट, सो इट वर्क्स। थैंक यू। तो लेकिन आज जो कैंसर के पेशेंट्स हैं थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज को, उनको इसी को करना है वो 3 से 6 महीने। अब कोई पेशेंट आता है बोलता 3 से 6 महीने मैं बिना कुक फूड के कैसे रहूंगा, लेकिन जहां जिंदगी और मौत का सवाल है वहां तो उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जीने ही नहीं वाला है राइट, वहां तो उसको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी श्योर। लेकिन वो थोड़े से लोग हैं राइट। कई बार लोग आते हैं पेशेंट, डॉक्टर साहब ये कुछ गोलियां बची हैं बड़ी महंगी हैं, इसको खा लूं फिर आगे से नहीं खरीदूंगा। बोले बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इतनी सारी गोलियां हमने खरीदी हुई हैं तो खा लेता हूं इसको। लेकिन निश्चिंत रहिए मैं आपकी गोलियों का नुकसान नहीं होने दूंगा, आपको मैं तरकीब बताता हूं, गोलियों से भी कुछ काम आ जाएगा। जिनके पास ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की गोलियां हैं, आप गोली लीजिए एक ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की और उसको कूटिए राइट, और चावल लीजिए, चावल भात उसके साथ मिलाइए और पुड़िया बना के घर में अलग अलग जगह रख दीजिए, चूहे मर जाएंगे भाग जाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। नुकसान नहीं होगा किसी का राइट। डायबिटीज की दवा और ब्लड प्रेशर की, एक आया डॉक्टर साहब आपने वो तो बताया उस दिन, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेता था, उसका क्या करूं मैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल की दवा पहले तो समझिए कहां से आया है। 1970s में अमेरिका के सोल्जर चाइना गए तो वहां पे उनको एक ऐसा प्लांट दिखा जिसे कहते हैं रेड राइस प्लांट। वो प्लांट क्या है कि जब भी कोई छोटा इंसेक्ट बैठता है उस प्लांट के ऊपर तो वो एक तरह का जहर फेंकता है, और जहर फेंकता है और उससे वो जो भी कीड़ा है वो मर जाता है। ये सुना है आपने, इस तरह के होते हैं प्लांट जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कि जब भी कोई छोटा मोटा कीड़ा उस प्लांट को खाने के लिए उसके ऊपर बैठता है तो वो जहर फेंकता है उस कीड़े के ऊपर और उस जहर से वो कीड़ा मर जाता है और ये प्लांट अपने आप को बचाता है राइट। तो वो प्लांट अमेरिका के सोल्जर्स अमेरिका ले आए चाइना से, रेड राइस प्लांट नाम है, और उसके अंदर जो प्लांट जो पॉइजन फेंकता है उस पॉइजन का नाम है स्टैटिन। स्टैटिन इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन। वही पॉइजन को इंसान को दे दिया जाए तो इंसान का कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है, ये देखा गया। अब इंसान का कोलेस्ट्रॉल घट रहा है तो उसको बिजनेस मॉडल कैसे बनाए, तब ये आ गया कि कुछ भी ऐसा करो ये दिखा दो कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से आपको नुकसान हो सकता है, तो लोग बोले कोलेस्ट्रॉल घटाओ तो ये मेडिसिन आ गया। मैं आपको ये बता दूं कोलेस्ट्रॉल घटाने की मेडिसिन किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग का अगर आप वार्निंग देखेंगे, FDA का वार्निंग है, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने के 6 महीने के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, 1 साल के अंदर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। यानी कि जब भी जिन लोगों ने कोलेस्ट्रॉल की दवा ली होगी आप, मैं बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर आप डायबिटीज की ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे होंगे, या कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल के अंदर तो पक्का ही ले रहे होंगे राइट। तो कोलेस्ट्रॉल की भी आप मेरे वीडियो यूट्यूब वीडियो में जाइए, विश्वरूप राय चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, कोलेस्ट्रॉल पे मेरे लेक्चर को देखिए। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा अगर लेते हैं तो अगली दवा मत लीजिए बिल्कुल भी, ना तो उसको दुश्मन को दीजिए। हाँ, क्या करना है वो बता दूं, आप उसको कूटिए और कपूर 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 को भी कूटिए, पाउडर बनाइए, दोनों पाउडर को लगा के एक साथ इक्वल मात्रा में, और उसको आग लगा दीजिए और उसकी धुएं से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। क्योंकि वो मच्छर वैसे भी, वो जो स्टैटिन है ना, स्टैटिन यही तो काम करता है, वो पॉइजन है जिससे कीड़े मकोड़े भागते हैं। तो आपके पास कितनी अच्छी दवाई है वो यूं ही खाए जा रहे हैं, वो मच्छर भगाने की दवा है राइट। तो उसको मच्छर मारने के लिए यूज़ कीजिए, अपने लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको। सो
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ. अंडा, अंडे को लैब में दीजिए कि इसमें ऐसा क्या है कि कुछ दिनों के बाद इसके अंदर से एक चिड़िया निकल आती है. तो 68% ऑफ द पावर और एनर्जी ऑफ द एग इज कोलेस्ट्रॉल. नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ. जहां कोलेस्ट्रॉल नहीं वहां जिंदगी नहीं. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एफडीए ने बोला है कोलेस्ट्रॉल को एक्स कैटेगरी ड्रग बोलते हैं. एक्स कैटेगरी ड्रग मतलब कि ऐसे वुमेन्स, राइट, ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, दे शुड नॉट टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होगी या इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, या प्रेगनेंसी होगी तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबियां हो सकती हैं. और जो आदमी चाहते हैं टू बिकम ए फादर, दे शुड ऑल्सो नॉट टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, बिकॉज देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिकम ए फादर. व्हाट आई मीन टू से, नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ. कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी से घटाएंगे और आने वाली जिंदगी जो है, राइट, उसकी आने की पॉसिबिलिटी भी घटेगी, राइट. कोलेस्ट्रॉल कोई दवा नहीं है, वो एक बिजनेस है. क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो श्योरली आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा लेने वाले जिंदगी में आगे जाके, तो यानी कि आपके पास एक तीन चीज की सेट बन जाएगी जो कि ऑलरेडी है. 78% ऑफ पीपल, दोज हु आर टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, दे आर ऑल्सो टेकिंग ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज मेडिकेशन, राइट. सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेकेंड गियर पे. जब भी कभी किसी को फीवर हो, राइट, माइल्ड, तब वो इस डाइट पे रहेंगे, लेकिन 3 से 10 दिन के लिए. कैंसर हो तो 3 से 6 महीने के लिए, देन द कैंसर रिकवरी हो जाती है इसमें. देन आता है फर्स्ट गियर. कभी कभी हमें फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाना पड़ता है, मजबूरी होती है, नहीं चाह के भी, लेकिन क्या करें. उसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी में भी कभी कभी ब्रेक लगते हैं, तब हमें मजबूरी में कुछ दिनों के लिए फर्स्ट गियर में चलाना पड़ सकता है. तो फर्स्ट गियर डाइट क्या है? फर्स्ट गियर डाइट इज वेरी सिंपल. नो सॉलिड फूड, कुछ खाना ही नहीं है. लेकिन ये डाइट सिर्फ 24 घंटे के लिए है. कब है ये डाइट? जब भी कभी पेट की कोई भी समस्या हो, जैसे लूज मोशन आ जाना, पेट में भयंकर दर्द होना, इस तरह की चीजें, उल्टी हो, एक्सट्रीम वीकनेस हो, या जब भी फीवर 102 से बढ़ जाए, उस वक्त 24 घंटे के लिए फर्स्ट गियर डाइट, दैट इज बी ओनली ऑन कोकोनट वाटर एवरी आवर. और कोकोनट वाटर नहीं है तो बी ओनली ऑन सिट्रस फ्रूट जूस एवरी आवर. ये एक दिन का है, सिर्फ 24 घंटे इस पे रहना है. फर्स्ट गियर पे हम बहुत ज्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, जब तक कि हमें लगता है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज फॉर टेम्पररी फेज. कब करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो बता दिया, राइट. सो ये 4 गियर हैं और आप ड्राइवर हैं अपनी जिंदगी के. आपको निर्णय लेना है कि कौन सी गियर में कब गाड़ी चलानी है, और वो डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हैं. इफ यू कैन डू इट, राइट, आई कैन टेल यू लाइक माई अदर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, राइट, कि धीरे 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 का मतलब कुछ एक दिनों में. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 साल 2 साल में आप ठीक हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कुछ दिनों में, राइट. पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आपको प्रभाव दिखना लग जाएगा, राइट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. गाड़ी में एक रिवर्स गियर भी होता है, राइट, होता है ना. यहाँ भी एक रिवर्स गियर है. वो क्या है? कमिंग टू दैट, कभी कभी जल नेति, अगर रेस्पिरेटरी इलनेस है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, अनीमा, या माइंड बॉडी डिप्रेशन है, राइट, नींद नहीं आती रात को, तनाव है, स्ट्रेसफुल है, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए. वो ये कि हफ्ते में एक बार कोई ऐसा काम कीजिए जो पहले आपका हॉबी हुआ करता था, या फिर अपने पुराने दोस्तों के, स्कूल वाले दोस्तों से हफ्ते में एक बार मिलने का प्लान बनाइए. एक बार नहीं मिल सकते तो महीने में एक बार तो मिलिए, राइट. सो अगर आप ये करेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, स्कूल के दोस्तों से मिलेंगे, वो पुरानी यादों में जाएंगे, राइट, आप पाएंगे कि डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट. दिस विल कम बट वंस अ वीक, वंस अ मंथ. सो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स गियर, राइट. तो आपको भगवान ने वो चारों पांचों गियर दिए हुए हैं. आपको सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर की तरफ खुद ही डिसाइड करना है व्हेन एंड हाउ इन विच गियर आई हैव टू बी. एंड इफ यू कैन डू इट, लाइफ की जर्नी वाकई में बड़ी स्मूथ हो सकती है. थैंक यू.